दोस्तों ये चर्चा लॉर्ड बुद्धा टीवी के तरफ से, मैं बहुत दिनों के बाद में शहर के बीचों बीच इस संविधान चौक में खड़ा हूं। कभी एक बार इस चौक का नाम देने में रात के 12-1 बजे हम खड़े थे रवि भाऊ बराबर तो अच्छा लगा कि ये संविधान चौक का नाम, ये चर्चा द्वारा पूरे भारत में एक संविधान चौक है और नागपुर के बीचों बीच है। बाबा साहब का यहाँ पर भव्य प्रतिमा और ये काफ़ी ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग इस चर्चा का आयोजन करने में यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही देश में अनेक तर्क वितर्कों के साथ में अनेक पार्टियाँ, अनेक सत्ता संघर्ष यहाँ पर चल रहे हैं। अपने समाज में भी काफ़ी अलग अलग वातावरण यहाँ पर नज़र आता है। हमारे पार्टियों की टूट फूट, अनेक सालों का संघर्ष, अनेक नेता बदले गए, ये सारे वातावरण में भी लॉर्ड बुद्धा टीवी ने इस बात को सोचा कि ये नागपुर शहर ये ऐसा क्रांतिकारी शहर है जिस शहर से बाबा साहब का आंदोलन 1942 की महिला परिषद हो या फिर 1956 का बाबा साहब का धम्म दीक्षा का समारोह हो, इस नाग नगरी ने बड़े आंबेडकरी आंदोलन में एक क्रांतिकारी कदम में अपना योगदान दिया है। शायद 1922 से पहले शाहू महाराज का आगमन यहाँ पर हो तो ये परिवर्तनवादी चळवळ का एक प्रकार का ये बाले किला रहा है और एक ऐसा क्रांतिकारी शहर जिस शहर से कोई भी आदमी भारत के कोने कोने में कहीं पर भी जाता है तो आदमी पूजनीय माना जाता कि वो ऐसे क्रांतिकारी शहर से आया है, ये आप सभी लोगों को ध्यान में होगा। यहाँ पर यहीं से आपने देखा होगा कि धम्म दीक्षा के बाद में यहाँ पर कई ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पर हुए, उनमें आपको ये भी पता होगा कि माननीय कांशीराम साहब का भी जो भारत भरे में जो बहुजन आंदोलन चला उनकी शुरुआत के आंदोलन में यहीं से हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना का आंदोलन वो भी यहीं से हुआ है। आपको पता होगा कि भारत में महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन भी इसी शहर से हुआ है। लॉर्ड बुद्धा टीवी नाम का भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पहला कदम जो आज भारत के कोने कोने में एशिया खंड में जा रहा है वो कदम भी इसी शहर से, इन्हीं क्रांतिकारी शहर से, यहाँ के लोगों के सहायता से वो चैनल आज भारत भर में और दुनिया भर में देखा जा रहा है। तो मैं ऐसे क्रांतिकारी शहर में यहाँ पर आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या में चर्चा सत्र में सहभागी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे साथ में जो वक्ता जुड़े हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसा शहर होने के बावजूद भी कुछ इस शहर पर और अम्बेडकरवादी आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह भी, इस शहर ने अम्बेडकरी आंदोलन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। नागपुर से जो भी कुछ होता है भारत के कोने में, चाहे महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन हो या चाहे कांशीराम साहब का मिशन की शुरुआत हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की शुरुआत हो, अनेक आंदोलन में भारत के लोगों ने जब नागपुर शहर से अगर कोई आंदोलन की शुरुआत हुई तो भारत के कोने कोने में इसका स्वागत किया जा गया है। आज उसी शहर से हम लोग इस राजनीतिक माहौल में एक चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी इस विषय पे कैसे चर्चा करेगा, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी को ना न्यूज चैनल का परमिशन है और ना बुद्धा टीवी ये रिलीजियस चैनल है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस क्रांतिकारी शहर में इतनी बड़ी संख्या में ये लोग रहने के बावजूद राजनीतिक वातावरण को अच्छा मार्गदर्शन ये शहर कर पाने में कामयाब नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि राजा भाऊ खोबरागड़े का जमाना हो या श्याम खोबरागड़े का जमाना हो, एडवोकेट इकबाल अहमद खड़े थे, उमाकांत रामटेके जी खड़े थे और लोकसभा में उन लोगों ने इस समाज को एक बलदंड ताकत से खड़ा करने की कोशिश की थी। आपको पता होगा कि इसी शहर में कभी नागपुर सिटी के मेयर हमारे हुआ करते थे, कई मेयर हमारे समाज के हुआ करते थे। जब जब भी ऐसा वक्त आया तो कभी मेयर
अन्य लोगों का तो डिप्टी मेयर हमारा हुआ करता था। आज क्या होगा इस शहर को, इतना क्या संख्या यहां से शहर छोड़ के लोग भाग गए, क्या हमारी संख्या कम हो गई या फिर हमारे शहर से, मैं जहां तक आंबेडकरवादियों की बात करता हूं, जो बाबा साहब को मानने वाले सभी समाज के जो अपने अपने को आंबेडकरवादी कहते हैं, उन लोगों से ये प्रश्न पड़ेगा कि शहर में आखिर हुआ क्या है, हमारी वो ताकत, वो शक्ति, वो सारा सारा जो है वो गया कहाँ है। इसकी खोज करने के लिए आज मैं ये चर्चा सत्र का हम लोगों ने आयोजन किया कि वो है कहाँ, लोग तो है कि छोड़ के चले गए, हमारे बाले किले क्या उध्वस्त हो गए, कैसे कैसे करेंगे ये शहर। मैंने पहले भी कहा कि ये शहर भारत को मार्गदर्शक के रूप में आज तक अपनी मार्गदर्शक की भूमिका निभाते आया है। लोग भारत में कहीं पर भी नाम लेते हैं तो संघ भूमि के खिलाफ, दीक्षा भूमि के सिवा दूसरा नाम चाहे कोई भी आए लेता ही नहीं। एक तरफ इस शहर ने विषमतावादी विचारों को भारत भारत में पहुंचाया और इसी शहर से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, बुद्धम शरणम गच्छामि का गजर ये भारत से जाता है। ऐसे शहर में हम जब भी देखते हैं कई सालों से कि जब भी चुनाव आते हैं तो फिर हमारी वो दीक्षा भूमि की ताकत, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता की प्रेरणा, वो हमने अपने आप को बाले किला, अंबेडकरी मूवमेंट का, बाबा साहब की धर्मभूमि, कर्मभूमि, अनेक शब्दों से हमने नागपुर शहर को नाग भूमि से नवाजने के बाद में हम लोग लोकसभा के जब चुनाव आते हैं तो ये सारे अलंकार, ये सारे शब्द जो शहर के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहा जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये विषय आज की चर्चा में इन लोगों को क्यों बुलाया, आपको पता होगा अलग अलग पार्टी से लोग हैं, मैं अब पूरन मिश्रा साहब को ये नहीं कहूंगा कि वो, लेकिन फिर भी रिपब्लिकन आंदोलन से इतने सीनियर है कि वो अभी निवृत्त हो चुके हैं तो काफी जुड़े हैं पैंथर के आंदोलन से। हमने धर्मपाल मिश्राम जी को बुलाया, अन्य लोगों को भी बुलाया जा सकता था, लेकिन ये लोग सभी पार्टी में रहते, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नाड़, इनकी माँ बाप पिता परिवार, कहीं ना कहीं तो ये नाड़ जो है ये आंबेडकर आंदोलन से जुड़ी हुई है। और ये आंदोलन इस शहर में इतना बड़ा बाले किला ये ध्वस्त होते हुए नजर आता है, ऐसे बाले किले में उन्हीं लोगों को हमने निमंत्रित किया। हमने उत्तम शेवड़े जी से कल बात की, हमने पूरन मिश्राम साहब से बात की, हमने रविभाऊ शेंडे से कल बात की, हमने धर्मपाल मिश्राम जी से बात की। वो संजय मिश्राम जी बोल रहे थे किसी अन्य को भेजता हूँ, नहीं यार, मैंने कहा तुम ही आ जाओ, बराबर है, कहीं ना कहीं जड़े जो तुम्हारे खून में है, इस शहर का क्रांतिकारी जो रुतबा था वो कहाँ गया और कैसे करेंगे ये 2019 के लोकसभा के चुनाव में। तो मैंने उन लोगों को निमंत्रित किया, वो लोग आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस चर्चा सत्र में पूरा देश जब देखेगा, पूरा महाराष्ट्र तो भी देखेगा, तो इस चर्चा सत्र में हम बाबा साहब की भूमिका और नागपुर के क्रांतिकारी शहर की भूमिका कैसे निभा सकते हैं और फिर से एक संगठित शक्ति के रूप में, संगठित ताकत के रूप में। तुम संगभूमि से कब लड़ोगे, कब लड़ोगे, ताकत ऐसे लोगों को दोगे जो संगभूमि को मजबूत कर रहा है और फिर भी बोलोगे कि हमारी लड़ाई चालू है तो क्या नागपुर के लोगों पर लोग हंसेंगे नहीं, कहां लड़ाई शुरू है तुम्हारी, तुम्हारे नागपुर में ही तो तुम्हारा है ना चित्र अलग अलग नजर आता है। तो इस तरह से मैं आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बड़ी शांति बनाए रखें, ये माइक कभी आपके तरफ भी आएगा, आप भी सुलझे हुए लोग हो, सिर्फ सुनना भी आप काम नहीं, यहाँ पर बड़े अच्छे विचारवान लोग भी पब्लिक में बैठे हैं, कुछ समय आपको भी देने की हम कोशिश करेंगे। और इसलिए मैं इस चर्चा की शुरुआत से पहले मैं आदरणीय पूरन मिश्राम साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हम सारे लोगों में वो सीनियर है, उच्च विद्या विभूषित है, इस मूवमेंट को अच्छे से वो जानते हैं, इसलिए मैं उन्हीं को रिक्वेस्ट करता हूं कि चिंतन इस चर्चा में आप अपनी भूमिका से शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं आदरणीय पूरन मिश्राम साहब से विनती करता हूं। सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इलेक्शन के ये सारे माहौल में
रिपब्लिकन और आम्बेडकरी समाज की जो राजकीय ताकत है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में जो राजकीय परिवर्तन चाहते थे, इस बिंदु को सामने रखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहाँ हैं, किधर है, और बाबा साहब जो खुले पत्र में रिपब्लिकन पक्ष को देखना चाहते थे, क्या वो रिपब्लिकन आंदोलन, क्या वो रिपब्लिकन पार्टी की राजकीय शक्ति आज हमारे सामने दिख रही है या नहीं है, या बिखरी हुई है, इसकी समीक्षा करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश में एक नया त्रिशरण दिया था। भगवान गौतम बुद्ध ने जो त्रिशरण दिया वो सब आप जानते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जो त्रिशरण दिया था, वो त्रिशरण में एक शरण है भगवान गौतम बुद्ध का बौद्ध धम्म, दूसरा शरण है इस देश में दिया हुआ है संविधान, और तीसरा शरण है इस देश को दिया हुआ रिपब्लिकन पक्ष। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को दिया हुआ त्रिशरण है, ऐसा मैं समझता हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया हुआ ये त्रिशरण जो है, इस बौद्ध धम्म नाम का जो एक शरण है, उसकी आज पूरे देश में क्या स्थिति है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया हुआ जो दूसरा शरण था, भारतीय राज्य घटना, उसकी आज देश में क्या स्थिति है? क्या ये राज्य घटना खतरे में है? और तीसरा शरण दिया था बाबा साहब अंबेडकर ने कि इस देश के सारे निर्णय प्रक्रिया में, देश के कायदे कानून बनाने की प्रक्रिया में, इस देश का पॉलिटिकल पावर जो है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, इसलिए तीसरा शरण बाबा साहब ने दिया था, वो देश की रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी की देश में क्या अवस्था है? तो ये तीनों शरण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे, उसकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है, इसकी एक समीक्षा आज सब रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, रिपब्लिकन आंदोलन से सारे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने उसकी समीक्षा करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़े चिंता का विषय है कि हमारे देश में बौद्ध धम्म की हालत क्या है, और ये हालत बनाने के लिए जिम्मेवार कौन है? हमारे देश में भारतीय राज्य घटना की स्थिति क्या है? उसे रोज बदलने के लिए आह्वान प्रति आह्वान शुरू है। शायद उस राज्य घटना का परिवर्तन कल किस तरह हो जाएगा, ये हम देख भी नहीं पाएंगे। और तीसरा जो है रिपब्लिकन पक्ष, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि पॉलिटिकल पावर इस देश के सर्वहारा वर्गों के हाथ में होना चाहिए, उसकी आज क्या हालत है? तो ये सारे चिंता का विषय जो है हमारे सामने है, और इसलिए हमने उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और इस बात को चिंतन करने के लिए आज लॉर्ड बुद्धा टीवी ने आज यहाँ पर इस बात का आयोजन किया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे जो है आज यहाँ पर उपस्थित है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस बात की हम लोग यहाँ पर चिंतन करेंगे, उस पर विचार मंथन करेंगे, और इस विचार मंथन के आधार पर मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राजकीय और सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हूँ, तो विचार मंथन का जो उसका निष्कर्ष होगा, ये हमारी सारी राजकीय मूवमेंट जो है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो सपना चाहते थे वो सपनों की ये परिपूर्ति कर रही है या नहीं, इस निष्कर्ष पे इस परिसंवाद के समारोह में हम लोग पहुंच पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेश्राम साहब को फिर से आपको कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग धम्मपाल मेश्राम जी से बात करते हैं कि वो इस भूमिका में अपनी बात को रखे। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, बावजूद उसके मैं समझता और मानता हूँ कि राजनीति के बावजूद भी एक सोशल इकोनॉमिकल एंगल है जिस पर समाज ने चर्चा करनी चाहिए। यहाँ लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालकों का और भैया जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे चुनावी माहौल के दरमियान, जहाँ सब तरफ राजनीति की बिसातें बिछी हुई है, ऐसे स्थिति में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आंदोलन उनके सभी पहलुओं को
किस परिप्रेक्ष्य में हमने चिन्हांकित करना चाहिए, इसका प्रयास हो रहा है। मैं इन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि यहाँ कहा गया है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो त्रिसूत्री थी, प्रज्ञा, शील और करुणा, इसी त्रिसूत्री को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने सामाजिक, राजकीय एवं सर्वांगीण जीवन में लाकर उसको समता, स्वतंत्रता और बंधुभाव में परावर्तित कर उसको संविधान के दायरे में ला इस देश के हर शोषित, पीड़ित, दलित, कष्टकरी, कामकरी, सर्वहारा, इन सब लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास इस दायरे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। इस देश के हर निचले तबके के आदमी का सर्वांगीण विकास हो, राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो, इसी मुद्दे पर बाबा साहब का तमाम जीवन यहाँ के सभी शोषितों के हित में चला है। और जैसा कि भैया जी ने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ दीक्षा भूमि की बात है, जहाँ संघ भूमि की बात है, या कांग्रेसी विचारधारा या गांधी की विचारधारा की बात है, या और भी भिन्न भिन्न समाजवादी विचारधारा की बात है, या लोहियावाद है, क्या सही में इस देश के सामान्य और सबसे पिछले आदमी को न्याय दिलाने के लिए इन सभी विचारधाराओं में युद्ध होना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूँ। क्या ये सभी विचारधारा हाथ में हाथ रखकर सामान्य आदमी के कल्याण के लिए काम करते हुए क्या समाज के लोगों को या देश के लोगों को दिखनी नहीं चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जब लोग इकट्ठा होंगे, तब सही मायने में इस देश के आम आदमी का कल्याण हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जैसा कि उन्होंने दूसरी बात भी कही कि इस शहर को नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र को और देश को भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारधारा का वारसा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के खुले पत्र पर आधारित रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई है, पर जिन उद्देश्यों के लिए वो हुई थी, क्या उद्देश्यों के जो प्रवास में हम कितना मार्गक्रमण कर पाए, कितने दूर तक आए, इसमें हमने किन किन लोगों की मदद ली, किन किन लोगों ने हमको मदद की, और हम इस राजकीय जीवन में, अपने प्रवास में कौन से गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए, इसका भी आकलन और चर्चा इस माध्यम से हो। और फिर चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों के बावजूद बाबा साहब के सपनों के समाज को क्या एक गोल्डन मोमेंट नहीं मिलना चाहिए, इस बात पर अगर चर्चा सामने जाएगी तो शायद इस चर्चा के अंत में बहुत अच्छी अच्छी बातें और अच्छे विचार इस समाज के लिए दिशा दर्शक के रूप में सामने उभरेंगे। धम्मपाल मिश्राम जी, धन्यवाद। हम लोग इस चर्चा को बीच में थोड़ा सा ये करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इस चर्चा द्वारा इस भारत को कोई संदेश देना चाहेंगे, बराबर है? हमारे जो निमंत्रित वक्ता थे आदरणीय संजय मेश्राम साहब, जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है कांग्रेस पक्ष से, वो यहाँ पर आए हैं। मैं सचिन मुन साहब को विनंती करूँगा, महेश नागपुरी जी से, कि वो उनको इस मंच पर लाए। मैं फिर से आपकी तरह पब्लिक में जाऊँगा और मैं सचिन मुन साहब को विनंती करता हूँ कि वो इनका स्वागत करें। संजय मेश्राम साहब, हमारा वही जो मैं पहले संचालन करते हुए पहले बताया था कि वो ये खोज रहा है कि ये सारी ताकत, ये सारे विचार, ये हमारे आदर्श, ये नागपुर शहर का ये सारा वातावरण, वो जाता कहाँ है। मैं, हमारे वक्ता बड़ा बड़ा सीरियसली सोच रहे, अभी कहीं कुछ चिंतन चल रहा है और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अंत में इस बात को भी सोचेंगे। इसलिए संजय मेश्राम साहब थोड़ा लेट आए, इसलिए
उनका भी स्वागत के लिए थोड़ा सा तालियां बजाओ, आते हैं लोग नहीं तो। तो मैं उत्तम शेवड़े जी से विनती करता हूं कि वो अपनी बात को यहां पर रखेंगे, ताकि संजय मिश्राम साहब को, है ना, उन्होंने जो चर्चा नहीं सुनी हो तो शायद इनके चर्चा द्वारा वो कुछ तो भी आपको भी इस चर्चा से क्या अपेक्षा है। हम लोगों ने इसके पहले जो चर्चा की थी कि ये आम्बेडकरी आंदोलन का बाले किला है और हम लोग इस बाले किले ने काफ़ी आम्बेडकरी आंदोलन को जन्म दिया है और काफ़ी ताकत से वो देश विदेश में ये शहर का नाम हुआ है। लेकिन हालत ये हो जाती कि जब चुनाव आते हैं तो हालत ये हो जाती कि सारे दुनिया के लोग जब पढ़ते तो आम्बेडकरी आंदोलन, इनकी संख्या, इनके बाले किले, है ना, वो कहाँ छुप गए, किसी वर्तमान पत्र को और किसी टीवी को पता नहीं लगता। मैंने कहा मेरे पास तो टीवी है तो ये सारे दुनिया को बता दूं कि ये छुपा हुए, ये जो ताकत है, ये हमारा शौर्य है, इतिहास है, बाबा साहब की कर्म भूमि, धम्म भूमि, ये कहा जाए। मैं आदरणीय शेवड़े जी से विनती करता हूं कि वो इस बार अपना प्रकाश डालें। साथियों, ये नागपुर दीक्षा भूमि और धम्म भूमि के नाम से, नाग भूमि के नाम से जानी जाती है। जहाँ हम लोग खड़े हैं वो संविधान चौक है, जिस संविधान के आधार पे ये देश संचालित होता है, चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देने के पहले की जो प्रोसेस की, वो शुरुआत होती है साइमन कमीशन से। फर्स्ट इंडिया एक्ट में इंडिया के लोग शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन को भेजा गया और भारत के लोगों का क्या कहना है, इनको क्या चाहिए, ये पूछने के लिए जब साइमन आया तो उस वक्त की कांग्रेस, उन्होंने गो बैक साइमन कहा और साइमन को भगाने का काम किया, क्योंकि साइमन को मिलने वाले एकमेव व्यक्ति थे वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको एक निवेदन दिया। उस निवेदन के आधार पर ही बहुत सारी जो बातें हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने से, पहले के ज़माने से जो इंसान करके जो नकारी गई थी, वो देने का काम साइमन के माध्यम से हुआ। और उस वक्त कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे कि साइमन के माध्यम से दलित आदिवासियों को कुछ हक मिले, और जब उनको यहाँ से भगाया गया तब उनके ध्यान में आया कि यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वंचित है, और उस वंचित समाज को कुछ हक देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। इसलिए उस अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए, उन्होंने हक और अधिकार की बात की, और वो हक अधिकार की बात के बाद में आप सब लोगों को मालूम है उस वक्त का कांग्रेस का मुखिया जो गांधी था, उन्होंने विरोध किया। बाबा साहब के द्वारा मिले हुए हक और अधिकार छीनने का काम किया, और आज के हालत में जो समाज में जो चमचे पैदा हुए, जो चमचागिरी दिखती है, उस वक्त बाबा साहब ने कहा था कि ऐसा होगा, और परिणाम क्या हुआ, 32 में पुना पैक्ट हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर भारत का पहला संविधान बनाने के बाद में संविधान पार्लियामेंट में जाने के लिए जब चुनाव लड़े तो 52 में पहली पार्लियामेंट में बाबा साहब को बम्बई से रोका गया, कांग्रेस ने रोका। 54 में भंडारा से बाबा साहब को रोका, कांग्रेस ने रोका। तो स्टार्टिंग ये हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का काम ये लोगों ने तब से किए, और फिर आज तक के जो चल रहा। बस मैं पहली राउंड में इतना ही बोलना चाहूँगा, हमारे पूरनजी मेश्राम साहब ने दो बातें बहुत अच्छी कही कि बाबा साहब अम्बेडकर के दो सपने थे, कौन से थे, भारत बुद्धमय करना और शासन करती जमात बनना। बाबा साहब शासक बनाना चाहते थे ये समाज को, कौन से समाज को, स्वतंत्र मजदूर पक्ष उन्होंने 36 में बनाया,
42 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, उनके ध्यान में आया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये शेड्यूल कास्ट लोगों का संगठन है और 15% लोग शासक नहीं बन सकते। आज भलाई 3% वाले 15% वाले शासन में आए वो बात अलग है, क्योंकि हम लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया गया उससे आए हो। हमारा जो बहुजन समाज जो अवेकन नहीं हुआ, या हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़े से पद प्रतिष्ठा पैसे के लिए जो उनके साथ में जाते हैं उसके लिए हुआ। लेकिन बाबा साहब ने उस वक्त जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद में उसको बंद किया और रिपब्लिकन पार्टी का गठन करने की घोषणा की, घोषणा यानी इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब इम्प्लीमेंट करने के पहले अपने से चल बसे। लेकिन उन्होंने दो सपने देखे थे, एक सपना भारत को बौद्धमय करना और दूसरा शासक बनाना। तो आज हम दूसरे राउंड में हम ये बात रखेंगे कि बौद्धमय बनाने के बाबा साहब के सपने को हम कहाँ तक लेकर गए और शासक बनाने के सपने को कहाँ तक रखे, ये हम सेकंड राउंड में कहेंगे। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। सेवड़े जी, सेवड़े जी ने भी बड़ा अपना एक अम्बेडकरी इतिहास थोड़ा बहुत बताया। मैं रवि भाऊ से पूछता हूँ कि रवि भाऊ, खून भी देंगे जान भी देंगे, है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं का नामांतर झालस पाइजे, हाँ वगैरह वगैरह रवि भाऊ के फेमस नारे। आज वो वंचित आघाड़ी के शहर अध्यक्ष है, इसलिए उनको निमंत्रित किया। भाऊ ये ताकत कहाँ गई आपके बाले किले की, और इस ताकत को कैसे आप इस समाज के सामने ला पाएंगे? क्योंकि हम चर्चा क्या कर रहे हैं, इसके पहले भी मैंने चर्चा की कि इस चर्चा का उद्देश्य है कि ये इतना बड़ा वैभवशाली शहर रहने के बावजूद इसकी ताकत कहाँ गई, कहाँ इसके बाले किले उद्ध्वस्त हो गए। मैं एक कहानी बताता हूँ कि मैंने जब मेरे जवानी में मेश्राम साहब वगैरह तब उधर रहते थे, अपने झोपड़पट्टी में, अभी बंगले में रहते हैं। उस जमाने में हमने देखा कि ये खोबरागढ़े परिवार के लोग जब भी यहाँ पर चुनाव में खड़े रहते थे, तो जब भी रहते थे तो हम बस्तियों में तोरण चिपकाते थे। हमको ये काम दिया जाता था कि शाम को सभा है तो तोरण चिपकाने का काम बच्चे करते थे, वो सूत्री लाते थे, दरी लाते थे, और वो सारे दिन भर। और नेता की राय रहा, अभी आप चुनाव प्रचार से आए होंगे, आपको पता होगा उस जमाने में कैसा किया होगा अपने समाज ने, उन्हीं के बेटे हो, उन्हीं के बच्चे हो आप लोग, वो जमाने। और नेता कब आता था, रात की 1 बजे सभा होती थी। हमने नागपुर वाले ने वो खोबरागढ़े को देखा नहीं था, हम तब 18-20 साल के नौजवान थे, बराबर है, तो देखा ही नहीं था उसको। लेकिन दिन भर तोरण चिपकाना, बस्ती में कोई तो भी सेंटरिंग वाले से पैसे लेके सेंटरिंग चिपका देना, और खाना कहाँ खाना, तो आजू बाजू की जो 10-12 महिलाएं होती थी, कोई महिला मंडल, उनको बोलते थे कि साहब जाने के बाद ये 5-25 कार्यकर्ताओं को खाना पका के खिला देना। अब आप पता होगा कि वो तीनों खोबरागढ़े भाई इकबाल अहमद ये यहाँ से आए थे हिंगनघाट से, और वो लड़े थे, तो कभी कुछ नहीं हुआ, बराबर है। पैसा किसने लगाया, समाज ने। स्टेज किसने गाड़ा, समाज ने। खाना रात को किसने खिलाया, समाज ने। और नेता का भाषण सुनने के लिए रात के 1 बजे खड़े रहने वालों में से मैं, मतलब लगता पूरन मिश्राम को मालूम होगा, सेवड़े जी को मालूम होगा, जो भी अभी 60 के करीब जो पहुंचे हैं, उन सारे लोगों को ये बात को पता चलाऊंगा। भाऊ आप इस वातावरण को, आप इस वातावरण में, इस आम्बेडकरी आंदोलन के ये है क्या नहीं उद्वस्त हुए बाले किले में, आप फिर भी अपनी बादशाही शहर के बीच में चलाते रहते, तो इस बाले किले को संगठित करने में ये सारा दोनों तीनों वक्ताओं का सुनने के बाद में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी बात को रखेंगे? आदरणीय रवि शेठ। सबसे पहले फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को मैं अभिवादन करता हूँ। अपने प्रास्ताविक में या अपने उद्बोधन में लाड बुद्धा के संचालक भैया जी खैरकर, इन्होंने इस शहर का महत्व यही की दीक्षा भूमि और यही पर संघ भूमि, यही पे हुए ऐतिहासिक आंदोलन, ऐतिहासिक परिवर्तन, यही पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पवित्र दीक्षा भूमि पर दी हुई बौद्ध धम्म की दीक्षा,
यहीं से चलाए गए फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के अनेक आंदोलन, यहीं पे चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहो या विधानसभा के चुनाव रहो, इकबाल अहमद से लेकर श्याम खोबरागड़े या सन्माननीय राजा भाऊ खोबरागड़े, दिवंगत राजा भाऊ खोबरागड़े, इन्होंने की हुई लड़ाई लोकसभा विधानसभा में, या फिर नागपुर के महानगर पालिका पे अनेक सालों तक रिपब्लिकन विचारधाराओं के जनताओं का कब्जा, कई महापौर बने, कई उपमहापौर बने, कई स्थायी समिति के अध्यक्ष बने, पर आज की उनका सवाल था इतना ऐतिहासिक शहर, बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि, बाबा साहब अंबेडकर का एक धर्मभूमि भी बोली जाए तो भी, फिर ये गया कहाँ सब? जब भी चुनाव आते हैं तो अपनी अवस्था क्या हो जाती है यहाँ पर, ये उनका सवाल था। हम नेम के इलेक्शन के वक्त ही ये आंदोलन, ये कहाँ चला जाता है, ये संगठन शक्ति कहाँ खो जाती है अपनी राजकीय शक्ति, ये उनका सवाल था। तो इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, और इसके ऊपर विश्लेषण के बाद इसके ऊपर तोड़गा निकालना, इसका ऑप्शन ढूंढना, इसके ऊपर क्या किया जाए, इसके ऊपर मंथन करना भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे इस ऐतिहासिक नागपुर में आज जरूरत है, नागपुर का नाम पूरे देश में इस संविधान चौक पर हम बैठे हैं, मेरे ख्याल से पूरे देश में यह पहला चौक होगा जिसका नाम संविधान चौक है। ये भी हमने हासिल किया तो कोई ऐसा दे नहीं दिया कांग्रेस और बीजेपी ने, इसके भी लिए हमको आंदोलन करना पड़ा। और यही लाड बुद्धा टीवी थी, इसी चौक पे इस संविधान चौक के लिए आंदोलन करना पड़ा। शेवड़े साहब ने बताया भारत स्वतंत्र होने के पहले से कांग्रेस ने कितना जुल्म किया, उसका विश्लेषण भी इन्होंने किया। स्वतंत्र होने के बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान, भारतीय राज्य घटना के माध्यम से इस देश में रहने वाले 85% बहुजनों को अपने अपने अधिकार, अपने मूलभूत अधिकार आरक्षण के माध्यम से, चाहे वो शिक्षा में हो, नौकरी में हो या अन्य कोई जगह पे हो, राजकीय आरक्षण हो, अपने अपने अधिकार दिए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था ये संविधान जितना अच्छा है, जितना बुलंद है, जितना सुंदर है, लेकिन इसको चलाने वाले लोग अगर नालायक रहेंगे तो इतना अच्छा सुंदर और अच्छा संविधान लिखने के बावजूद कोई फायदा नहीं होगा। और उसका वो देख रहे हैं हम लोग, आज तक 70 साल में देखे यहाँ के ओबीसी को भारतीय संविधान के माध्यम से 27% आरक्षण मिल चुका था, लेकिन कांग्रेस ने ये 27% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए कितने साल लगाए मालूम है ना? कितने साल लगा दिए, और वो भी संविधान में इसका अधिकार देने के बावजूद यहाँ पे हमको, और खास करके फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोगों को, ओबीसी उस वक्त साथ में नहीं भी आए तो भी आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन करके हमने ओबीसी का आरक्षण वीपी सिंह के जमाने में छीन के लाया, और वो उन्होंने हमको दिया सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की बदौलत। ऐसा कौन सा अधिकार है जो कांग्रेस ने हमको संविधान के माध्यम से, जो मूलभूत अधिकार है, समता स्वातंत्र और बंधुभाव का अधिकार है, जाति अंताची लड़ाई, जातिवाद नष्ट करने का अधिकार है, कौन सा अधिकार हमको कांग्रेस ने ऐसे ही दे दिया? हर अधिकारों के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ी, चाहे अपने मूलभूत गरजों के लिए, चाहे वो भीमा कोरेगांव का रहो या नामांतर का रहो, एट्रोसिटी का रहो या कोई भी आंदोलन रहो, हर अधिकार के लिए हमको ऐसा ही नहीं
कि हमको मिल गया, हमको उसके लिए रास्ते पे जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, बंदूक की गोलियां खाना पड़ा, तब कहीं हम लोग ये अधिकार हासिल कर सके। और उसके बाद ये आज 5 साल से आई हुई यहाँ पे बीजेपी की सत्ता इस देश में और इस महाराष्ट्र में भी, इन्होंने तो हद पार कर दी। और चाहे संविधान जलाने का, इसके ऊपर बाद में चर्चा होगी, चाहे वो संविधान जलाने का मसला हो, क्या बीजेपी के साक्षी महाराज हो कि 24 के बाद यहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, चाहे आंध्र प्रदेश के जिम्मेदार बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार, ये लोकसभा के ये हो खासदार हो, उन्होंने भी बोल दिया, उनके मुंह से निकल गया, हम तो आए ही उसके लिए संविधान बदलने के लिए। धन्यवाद। तो ये सारी बातें हमको बदलनी पड़ेंगी। और आज हम लोग ऐसा एजेंडा लेके आए हैं, हमारे बाड़ा साहब अम्बेडकर जी ने जो वंचित आघाड़ी बनाई है, ऐसा एजेंडा तैयार है इसके महाराष्ट्र में कि ये परिस्थिति बदल सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि हम कुछ परसेंट 6% यहाँ के बौद्ध या कि राजकीय सत्ता नहीं बदल सकते, इसके लिए उस जमाने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे बहुजन को इकट्ठा कर एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी थी। और उस वक्त 17 आमदार इस महाराष्ट्र में चुन के आए थे। आज भी वो परिस्थिति आ सकती है, निश्चय करना है, बदलना है इस परिस्थिति को और फिर से एक बहुजनों की ताकत, दलित मुस्लिम ओबीसी की ताकत इस महाराष्ट्र में खड़ी करनी है। धन्यवाद रवि भाऊ, आपने जो भी बात रखी है, आप चुनाव प्रचार में हैं, हमारा चिंतन यहाँ पर ये चल रहा है कि रवि भाऊ ने जितना यहाँ तैयारी से बोला, हम पांचों लोगों को, वक्ताओं को मैंने इसलिए निमंत्रित किया कि ये आप ही वो लोग हो कि आप, हमारा एक आदमी बीजेपी में जाता है, हमारा एक आदमी कांग्रेस में जाता है, हमारा एक आदमी, हम लोग सारे प्रतिनिधित्व की तरफ देखते हैं, बराबर यहाँ चर्चा हम ये चल रही है कि हम लोग ये सारे व्यवस्था को, वो बाले किले को ढूंढना चाहते। बाबा साहब ने एक बार ये जरूर बोला था, वो जो गोरे लोग थे तो अफ्रीकन जो लोग थे काले लोग, एक भाषण में बाबा साहब के पढ़ा, तो वो काले लोग जो थे तो काले लोग गुलाम थे, तो अमेरिका में वो साउथ अफ्रीका से वो गुलाम लोगों को लिया जाता था और लेकर जाता था, लेकिन ये लेकर जाने वाला कौन था? अमेरिका में जितने भी गोरे लोगों के घर में गुलाम थे साउथ अफ्रीका के, वो लेकर जाने वाला कौन था? तो वो था उन्हीं की तरह एक ब्लैक फोर्स का आदमी, ये बाबा साहब ने बताया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह से हम लोग, मेरे मन में जो था लॉर्ड बुद्धा टीवी के मन में, कि अगर इन्हीं लोगों ने जो अलग अलग पार्टियों में काम करते हैं लेकिन फिर भी बाबा साहब के विचारों पर श्रद्धा है थोड़ी बहुत, जितने भी बच्चे है वो इस बाले किले के इब्रत को, इज्जत को, सम्मान को बचाने के लिए, कोई राजधानी होती है, मोदी क्यों वाराणसी में लड़ता है, इसका कारण होता है उनकी कोई तो भी धार्मिक राजधानी होती है, बराबर है, तो कोई तो भी एक बाले किले होते हैं, वो अपने अपने बाले किले में कहीं से भी लड़ जाते हैं। राहुल अमेठी में क्यों लड़ता है? अपने अपने बाले किले लोग तैयार करते हैं। अम्बेडकर ही लोगों का ऐसा कोई बाले किला तैयार ही नहीं हो रहा, बराबर है। तो इस इतने बड़े शहर में हम चर्चा भी नहीं करेंगे, चिंता तो करना चाहिए ना हमने, क्यों नहीं? हमारा नेता भी बाड़ा साहब अम्बेडकर थे, ककोला में उन्होंने बाले किला बनाया था, वो वहां से चले गए, अब उधर कहीं सोलापुर चले गए, बराबर है, ऐसा होता है। तो हर एक जगह का बाले किला होता है। हम नागपुर शहर के लोग ऐसी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मैंने ये जो चर्चा लगाई कि ये चर्चा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में, देश में लोग भी लगाए इस तरह से चर्चा, तो मैं खुद जाऊंगा और वहां पर उन लोगों से टीवी पर बात करूंगा, बराबर है। कोई बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा लगता नहीं है ऐसा, कुछ क्या लगता, 100 रुपये खर्च में कई अपने समाज के संगठन को बोलता, बड़ी अच्छी सुंदर चर्चाएं होती। मुझे नागपुर में मैंने देखा है कि बहुत सारे होटल में चर्चा की, कई सेंट्रल पॉइंट में चर्चा हुई, वो लोग मुझसे बात करते तो मैं उनकी चर्चा को शायद दिखा देता, लेकिन उनको 5-25 हज़ार रुपये भी खर्चा करने की तैयारी नहीं करते। अगर मैं थक गया, मैंने बोला सचिन हम खुद ही चर्चा लगाएंगे, हमारी समाज की बात है, हमारे मूवमेंट की बात है, हमारे शहर की बात है, इस शहर में हमारा सबका जन्म हुआ है, इस शहर ने बड़े क्रांतिकारी कदम लिया है, इस शहर में हम फिर से चर्चा करेंगे, बराबर है। नहीं तो काफी विचारवंतों को बुलाना चाहिए था, लेकिन हमने इन लोगों को इसलिए बुलाया कि ये लोग जो है ये अपने अपने पार्टियों में जाकर, करीबन बुद्धिस्ट है, अपने परिवार से है, इतने सालों से जिस घर में जन्मे, जिस माँ का दूध उन्होंने पिया है, जिस बाप के नाम से उन्होंने नीला झंडा लगा कर कई आंदोलन में शरीक रहे हैं, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस बाले किले को आप फिर से, अपने रवि भाऊ ने बोला, लेकिन रवि भाऊ को पीछे में सेना ही नहीं है,
भाव की सेना है 5 लाख की, भाव जो अंदाज से बात कर रहे, लेकिन इतने आंदोलन से, लेकिन वो सेना कहा जाती बराबर, तो किसके साथ जाती, कब कब जाती, क्या क्या जाती, ये सारे चिंतन के विषय है। मैं संजय मेश्राम साहब से विनती करूंगा कि ये चर्चा जो है आप इस पर अपना मत रखेंगे तो अच्छा होगा, फिर बाद में हम लोग थोड़ा पब्लिक से भी रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे और हम लोग फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। पहले तो आप सबको सप्रेम जय भीम। थोड़ा लेट हो गया आने में क्योंकि उमरेड में आज हमारा दौरा था और उस दौरे में ये पता चला कि हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कल हेलीकॉप्टर का दौरा था और उसके जो नियोजन में थोड़ा वक्त लगा मुझे आने में, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को। और इस चर्चा का पहला सत्र मैं पूरी तरह से नहीं सुन पाया, किंतु ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शेवड़े जी और आपके वंचित बहुजन आघाड़ी के मेरे मित्रों ने कांग्रेस पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। अब आदत हो गई है ये इल्ज़ाम सुनने की, इतने सालों से सुन रहे हैं तो बुरा नहीं लगता, कभी कभी मुस्कुरा देते हैं हम, अब जवाब भी नहीं देते, क्योंकि एक सत्य जो है वो कोई ठुकरा नहीं सकता। इतने वक्ताओं ने अभी कहा कि भाई कांग्रेस जो है वो बहुजन समाज के खिलाफ है। अगर कांग्रेस बहुजन के खिलाफ होती तो उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अधिकार क्यों दिया जाता, और उनको एक मिनट, मैं देखिए सुनिए कौन देखिए मैं यही कहता, नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप समझिए। अगर आई एम कमिंग टू द पॉइंट मैम, लुक मैं ये जो आपकी प्रतिक्रिया है उससे बहुत अवगत हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस को बहुजन समाज को अगर देना ही नहीं होता कोई अधिकार तो सबसे पहले वो बाबा साहब को ही दूर करते ना। फिर वही बात, नहीं गलत बात है। अब मुझे लग ओके आई थिंक मैंने लगता है कोई एक मैंने लगता है कोई दुख थी। मैं इस बात पर फिर से आऊंगा, थोड़ा आप लोगों का सुन लिया मैंने, मैं इस बात पर जरूर आऊंगा। देखिए किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए उसके उद्दिष्ट होते हैं, हाँ नहीं ये बात है, मैं समझ रहा हूं कि देखिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं मैं क्या बोल रहा हूं वो इसके बाद में एक समझिए, मैं बात के वक्ता मैं आपसे आप गुजारिश करना चाहता हूं, एक मिनट गुजारिश करना चाहता हूं। आप लोग देखिए यहां सभी लोग हैं, बहुत सारे वंचित आघाड़ी के भी लोग हैं, हुआ ये है कि इन लोगों ने कुछ इल्जाम लगाए है ना, अब मैं ठीक है देखो अपने लोगों की सुनिए, हाँ देखिए मैं कोई भी विवादित मुद्दा नहीं कहना चाह रहा, आप प्लीज समझिए ये आपकी रिएक्शन, ये भावनात्मक रिएक्शन है, ठीक है। मैं समझता हूं कि मैं जिस मंच पर हूं उस मंच पर मुझे बोलने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है ना, अब बोले ये, अब जब अगर मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है तो आप लोग अगर मुझे बोलने नहीं देने चाह रहे और अगर मेरा व्यू पॉइंट सुन नहीं चाह रहे तो आज मोदी सरकार भी आपका व्यू पॉइंट नहीं सुनना चाह रही है, एक है ना। अब विषय कैसा है कि वहां अपने विचारों की अभिव्यक्ति की बात हो रही है ना, वहां अपने विचारों की अभिव्यक्ति की बात हो रही है। आज मेरे मित्रों ने कांग्रेस के बारे में कुछ कहा, मैंने सुन लिया, वो उनका विचार है। अब विषय ऐसा है
कि नहीं, एक मिनट सुनिए मैडम, दो मिनट, अब आप लोगों को सुनना पड़ेगा। उनको बोलने दो, आपने अपना रिएक्शन दिया। आप लोग रिएक्ट बहुत कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं पॉइंट। आप मेरे, आप मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, आपके भैया जी, आपके पार्टी के वक्ता है भैया जी, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इसका उत्तर देंगे। आपने अपना ओपिनियन डिक्लेयर किया क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो, बाबा साहब के इतिहास को जानते हो, इसलिए थोड़ा सा शांति बनाए रखें। कांग्रेस की बदमाशी हम बताएंगे, बताएंगे है, देखिए कांग्रेस को पूरा नेकेट करेंगे, कोई हरकत नहीं, 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 बोलने दो उनको। देखिए, एक यहाँ जो लोग भी बैठे हुए हैं उस पर आज आज की परिस्थिति देखिए, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकार करने कितने दिन बाबा साहब ने बौद्ध रहे आप बता सकते हैं कितने दिन? अब आप लोगों ने इतना अभ्यास किया, कितने दिन रहा है? कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, क्यों कैलकुलेट करेंगे आप इतने दिन से? रुके एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक मिनट पूछ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो कोई, एक मिनट आप लोग बताइए। नहीं नहीं सुनिए, आप मैं बताना चाह रहा हूँ, विषय का विषयांतर हो रहा है? नहीं नहीं, कोई विषयांतर नहीं हो रहा है, दो मिनट सुनिए। बाबा साहब कितने दिन बौद्ध रहे? 14 अक्टूबर 1956, उनका उनका मृत्यु दिन 6 दिसंबर 1956। एक मिनट झालं ना, म्हणजे किती दिवस होते? मी जेव्हा वाचन करत होतो तर किती दिवस बाबासाहेब बौद्ध, अच्छा अगर बाबासाहेब ने बौद्ध धर्म के बारे में, देखिए बाबासाहेब ने पहले अध्ययन किया, बाबा साहब को तो हर जगह से ऑफर थी, वो अगर मुसलमान बनना चाहते तो मुसलमान बड़े अच्छे तरीके से उन्हें गले लगा लेते, अगर वो क्रिश्चियन बनना चाहते तो पूरे के पूरी मिशनरी उनके पीछे लग जाती, वो सिख बनना चाहते तो सब लोग तलवार लेके खड़े हो जाते उनके लिए। अरे दोन मिनट ऐका, जरा बोलू नका तुम्हें मैडम, ऐकायची क्षमता नहीं है तुमच्यामध्ये। सुनो दो मिनट सुनो, हाँ मी जो बोलतो आहे त्याचा विचार करा। अच्छा दो मिनट हो, अरे विचार सोडा, माझा विचार, तर बाबा साहेबांनी शेवटपर्यंत एक देखो मग हमने बघा भाऊ, भाऊ ओ भाऊ, भाऊ देखो ये हमने इसके निमंत्रित किया, मैंने आपको पहले भी बोला था। खैर कर साहब, हाँ मेरे को उसका जवाब देने दीजिए, अगर आप विचारों की अभिव्यक्ति में नहीं, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको विचार दूसरों के सुनने में नहीं है तो आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको बहुजन इसका है ना, आप अपने पार्टी के ऑफिस में जाके सुनिए, ये मंच है जहां हम लोग कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, तो वी मस्ट शेयर, वी शुड नॉट रिएक्ट, वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड फेस। ओके मैं एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा अभी, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए मेरी भी बात। हाँ एक मिनट, आज आज हमारे आज प्रेजेंट में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म में क्या बताया गया कि भाई आज आप वर्तमान में जियो, तो वहीं से बात शुरू करते हैं क्योंकि वहीं पर आज हम है, वर्तमान है ना, इस वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, इसके ऊपर कोई चर्चा करेगा है ना, तो उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारा हम क्या चीज में विश्वास रखते हैं वो सोचिए। तो हम जब अंबेडकरी चळवळ की बात करते हैं तो अंबेडकरी चळवळ मतलब क्या भाई, अन्याय के प्रति लड़ना, बराबर है ना, कोई किसी पर अन्याय नहीं करे और कोई किसी का अन्याय न सहे, बाबा साहब की इतनी सीख है ना, इतनी सीख है, रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग, इतनी सीख है ना। आप सुनिए, हर आदमी की न्याय और अन्याय की भाषा यानी परिभाषा ये अलग अलग होती है। अब अगर हमको बाबा साहब की मूवमेंट चलानी है तो हमने क्या करना चाहिए, एक मिनट एक मिनट, वो देखो ना आप लोग, मैडम आप लोग सुनने के इसमें नहीं है, आप सवाल मत पूछिए ना उनसे, आप बोले उनसे सवाल मत पूछो, आपको जो 5 मिनट, मुझे लगता है मैं, मुझे लगता है कि यहाँ लोग सुनने नहीं आए हैं, अपनी रिएक्शन देने आए, मेरी प्लीज सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जो भी करना है, आप जो भी दिमाग में डालना चाहते हैं आप जरूर डालिए, वर्तमान परिस्थितियों में क्या परिस्थितियां आपके सामने और वो क्यों उद्भव हुई है, इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। आप समझिए, आप सिर्फ चिल्लाकर या किसी को अपने दिमाग से सोच के कि यही सही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
किसी के विचार सुन लेना। तो क्या परिस्थिति आज सामाजिक परिस्थिति बताइए। आप लोग कोई भी नहीं बोलेंगे, पहले मुझे मेरे विचार, मेरे विचार देखिए, विचार रहने दीजिए, ठीक है। हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या थी और अभी क्या है, इसका विश्लेषण आप करेंगे। 50 साल पहले जब बाबा साहेब या इसके भी पहले आपको कुएं में से पानी नहीं लिया देना जाता था, है ना। आज आज सुनिए सुनिए, समाज में परिवर्तन जो होता है वो एक दिन में नहीं होता, उसके लिए एक अरसा लगता है, ये बाबा साहब ने कहा हुआ है ना। मगर परिवर्तन नहीं हुआ है, सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं। आरक्षण के माध्यम से बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया, आरक्षण जब हम ले रहे थे और आरक्षण जो अभी हम ले रहे हैं उस पर विश्लेषण करना जरूरी है। आज जो परिस्थिति तभी थी कि कांग्रेस अकेली बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी, आज कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है, इसका विश्लेषण। अरे हाँ सर, अगर मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा, अगर ये लोग रिएक्ट करेंगे तो मुझे लगता है उनको पीछे भेजना आपका काम है। जी जी, मैं बात रख रहा हूं। देखिए आप अभी थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, आप नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे। सवाल क्या होता है, देखिए हमारे चर्चा सत्र में हम लोगों ने बराबर है ऐसा डायरेक्ट रिएक्ट किया, बराबर है। दरवाजे खुले किसने छोड़े थे, मैं ये इन लोगों को क्यों बुलाया पता है आपको, कि सबसे ज्यादा फायदे आपके मतों के, आपके संख्या के, आपने कभी लिया तो फिर अपने यानी अपनी हार को आपने कभी लिया फायदा, कभी एक आधा खाद्यार चुन के लाया आपने। इन लोगों ने लिया है, बराबर है। हाँ हाँ, तो नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यार, तुम किसी को, फिर हमारे लोग क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, नहीं हमने क्या किया, इतने सालों में इस नागपुर शहर की बात मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग, हम जब दूसरे के तरफ उंगली दिखा रहे, रुको रुको, तो हम लोग, हमारे नेता क्या कर रहे थे इसके बारे में कभी सोचा हमने आज तक? आज की बात नहीं बता रहा हूं मैं, आज हम लोग, नहीं नहीं वो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई, मैं क्या बता रहा हूं आपको, नहीं नहीं सुनो सुनो, आपको वो बोलने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ हाँ, नहीं 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 मेश्राम साहब वो बात नहीं है, हमारे नेताओं का विश्वास। मैं 3 बार बोल रहा हूं कि जब किसी का घर सुरक्षित होता है, कोई भी आदमी रास्ते से जाता है और जिसके घर में बुद्धांडी धमा में उसका उदाहरण है, कोई भी आदमी रास्ते से जब बारिश होती है और चलने जाता है तो रास्ते में जिसका घर पे छत ढीला हो, जिसका घर चारों तरफ से टूटा हो, उसके घर में कोई आदमी आश्रय के लिए जाएगा कि मैं बरसात से अपनी रक्षा करूंगा? हम अपने चिंतन को हम विचार नहीं करते। मुझे भी मालूम है आपसे ज्यादा मैं इस संघर्ष में रहा हूं, मैं भी अच्छे से संघर्ष में रहा हूं, ये सारा पूछे, क्योंकि आज तक जो भी फायदे तुम्हारे मतों के, तुम्हारे संख्या के, ये सारे अन्य लोगों को है, हमारे लोगों, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बोलने वाला समाज, बोलने वाला आदमी, वो इस चर्चा में ना रहे तो अच्छा है। हमारी मतलब मेरी नहीं, आपकी नहीं, हमारे पहले से लेकर इतने साल हुए, कुछ तो हमारी गलतियां है कि नहीं है। मैं भी उसमें से का एक कार्यकर्ता हूं, मुझे भी लगता कि कभी कभी मेरा बाप नेता नहीं है इसलिए मेरा नाम कभी नहीं आया, क्योंकि मेरा बाप कुछ नहीं था। हजारों कार्यकर्ता मैंने भी मरते हुए देखा है, मैं भी उनके साथ रहा हूं। हजारों महिलाएं यहां पर रही है, मरी है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, बराबर है। लेकिन जब पार्टी में पदों का विभाजन करते हुए, है ना, आज वो भी चर्चा चल रही है दुनिया में, है ना, पार्टी का पद देना है तो हमारे नेता ने अपने बीवी को दिया है, ये भी ध्यान में रखने का। हमारे बच्चों के नाम सामने आए, हम भी कार्यकर्ता, मुझे भी चीड़ लगती है, लेकिन हम ये चर्चा नागपुर शहर आज के वक्त में, हम लोग अभी तक संगठित नहीं हुए तो क्या बौद्ध संगठित होके कोई एक साजेसा स्वरूप दे सकते हैं क्या? मैं संजय मिश्राम साहब, आपने इतिहास को थोड़ा गलत इंटरप्रेट किया, बिल्कुल। देखिए इसलिए क्या होता है, ये कोई पॉलिटिकल सभा नहीं, मैं आपको इसलिए बुलाया था जी कि आप अपने अपने पार्टी में जाते होंगे तो बाबा साहब से, मुझे पता है धर्म मिश्राम जो है बीजेपी वाला है, बराबर है, आप सभी अपने अपने पार्टी से, मैं मेश्राम साहब को बोला कि यार आप सबसे अभी है तो आप इधर आइए ताकि इस वातावरण को ये करें। हम लोग इस चर्चा को
आपको अपने रिएक्शन देना है, आप वही खड़े रहो जी। मैं अपने रिएक्शन के लिए, देखिए चर्चा ये शहर कैसे संगठित हो सकता है। हाँ। ये जरूर आज की वक्त आज आप क्या सोच सकते हैं कैसे संगठित हो सकता है ये शहर, क्या किसी के पास योजना है इस शहर से वो ऐसा मैसेज जाए कि अंबेडकरवादी जो लोग हैं वो लोग संगठित होके कोई अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। मुझे सभी गढ़ जितने नीले टोपी डालते हैं, नीली पार्टी के लोग हैं, नीले झंडे डालते हैं और जो मरने के बाद में बाजार लाते वक्त नीली टोपी खरीदने के लिए बोलते हैं, वो सब लोगों से चाहे संजय मिश्रा हो या धर्म मिश्रा हो, इन सभी को बराबर है ना मेरी भावना। तो ये लोग इस शहर का संदेश कैसा जाने की कोशिश करेंगे, मैं क्या सोचता हूँ मिश्रा साहब आपसे परमिशन लेके कि मैं थोड़ा सोचता हूँ कि इनकी जो भावनाओं की कदर है, आप अपने प्रश्नों से, इस चर्चा सत्र में मैंने आपको बोला इस अपने प्रश्नों से बराबर, ऐसा डायरेक्ट हम किसी को कुछ बोलने से आपको क्या लगता है कि आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपके तरफ माइक देता हूं। आप सोचो ना चिंतन क्या है, कांग्रेस नालायक है, बीजेपी नालायक है, इसके लिए ये बात तो अलग अलग है। वो आपका प्रतिनिधि रवि शेंडे बैठा है, आपका प्रतिनिधि उत्तम शेवाड़े बैठा है, अंबेडकरी आंदोलन में ये जरूर बोलेंगे। आप क्या सोचते हैं, आप आज की दशा में क्या सोचते हैं, आप ये नागपुर शहर में सर मैं एक मिनट आपको इंटरवेन करूंगा। नहीं, नहीं, आप कुछ मत करो, अभी आपको बोलने के लिए मौका देंगे लोग जी, इनका भी हम लोग सुन लेते हैं। मैं महेश नागपुरी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि महेश नागपुरी जी आप यहां पर जो बोलने वाले 10-20 कार्यकर्ता है अपना कुछ मिनट, जैसे अन्य चैनल की चर्चा होती है मेरे दोस्तों, अन्य चैनल की चर्चा अपना एक ही चैनल अन्य चार के, आप अपने दृष्टि से सोचो कि इस विषय में हम क्या कर सकते, क्या होना चाहिए। बराबर लोग नालायक है बोलने से मैं अच्छा हूं ये नहीं, मैं मान गया, मेरी क्या योजना है, आपको सारा देश सुनेगा तो अंबेडकरी कार्यकर्ता ये यहाँ पर संविधान चौक में कैसे रिएक्ट करता है, क्या सोचता है समाज के बारे में। हमने भी, हमारे पास भी कोई प्रश्न नहीं है, हमारे भी कोई आंदोलन नहीं है खुद के, कई सालों से बंद पड़े हैं। तो हम लोग, मैं आपकी तरफ, मैं वरिष्ठ पत्रकार है हमारे महेश नागपुरी जी, तो मैं इनके तरफ माइक सौंपता हूँ कि वो आपकी भी भावना जानने की कोशिश करेंगे। हम आप लोगों को 30 मिनट देना चाहते हैं, तो आदरणीय महेश नागपुरी जी। हेलो, मी भूषण बस में आता फक्त भीमाचं रक्त प्रश्नाची उकल तेच आहे, आता फक्त भीमाचं रक्त बस। काय म्हणणार तुम्ही सर? गणेश, माझं नाव गणेश हरकंडे, माझं असं म्हणणं आहे सर्व लोकांनी एकत्र व्हावे व समाजातले काही घटक जे बीजेपी काँग्रेसमध्ये काम करतात त्यांनी खरं आपलं नेतृत्व कोण करत आहे, कोण आपल्यासाठी हक्कासाठी लढत आहे, त्या पक्षाचा मागे जावे व आपला लीडर चुनून एक आज जो महाराष्ट्रात भरभघोष आणि सर्व लोकांना घेऊन सोबत जाणारा नेता समोर आलेला आहे, वंचित बहुजन आघाडीच्या नावाने प्रकाश आंबेडकर साहेब सर्व बहुजनांना सोबत घेऊन चाललेले आहे। माझी सर्व अदर पक्षातल्या लोकांना ही विनंती आहे की त्यांनी सर्वांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नातू प्रकाशजी आंबेडकर यांच्या सोबत येऊन त्यांचे हात बळकट करावे व या 19 त्या लोकसभेमध्ये त्यांना भरघोस क्षमताने महाराष्ट्रामध्ये विजय करावा। ठीक आहे, आपलं तुमचं मदत मित्र काय मदत मित्र जय भीम सगळ्यांना। आज या ठिकाणी समाज ह्या देशामध्ये अल्पसंख्याक समाज हा देशामध्ये हा एकत्रित आहे, एक संघ आहे, परंतु इथले काही प्रस्थापित जे नेते आहेत मग ते BSP असेल, BSP चे 4 खंड झाले आहेत, RPIचे 25-30 खंड झाले आहेत, हे जे नेते आहेत हे स्वतःच्या पोटाची खडगी भरण्यासाठी आपल्या मुलाबाळांचं जीवनयापन करण्यासाठी यांनी आपापल्या दुकानदाऱ्या उभ्या केल्या आहेत, आणि हे नेते जे प्रस्थापित जे नेते आहेत हे जोपर्यंत याला समाज निग्लेक्ट करणार नाही तोपर्यंत आपण ह्या देशाची फुलेशाहू आंबेडकरी विचारधारा ही एक संघ घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्याचा हा जो संकल्प केला आहे बाळासाहेब आंबेडकरांनी, आणि त्यांनी शोषित वंचित धनगर मुस्लिम या सगळ्या 18 पगड़ समाजाच्या लोकांना एकत्रित करून आज मूठ बांधली आहे, आणि महाराष्ट्रामध्ये या काँग्रेस BJP ला आम्ही ते त्यांची जागा दाखवणार आहोत, एवढं बोलून मी थांबतो। जय भीम। धन्यवाद ताई, काय नाव आहे तुमचं, काय म्हणणं आहे तुमचं, काय
मी कांचन देवगडे, आता जी काही लाट उसळली होती ते त्यांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सारख्या विद्वान व्यक्तीला म्हटलं की संधी दिली, म्हणजे हे किती खोटं बोलत आहे. जर तुम्ही जर भाकरी थापत आहे, तुम्ही जर काँग्रेस बीजेपीमध्ये जात आहे, मग संविधान जाळत आहे तर हे बीजेपीवाले काय करत आहे, भीमाचं रक्त काय करत आहे. काँग्रेसवाले राज्य सत्तेवर होते तेव्हा खैरलांजी घडली तर त्यांना न्याय का नाही दिला, हे कसं भीमाचं रक्त. आता माझा हाच प्रश्न आहे ह्या दोघांनाही हा जे भाजप आणि काँग्रेसवाले जे उभे आहेत त्यांना माझा हाच प्रश्न आहे की तुम्ही तिथे जाऊन चूप काय होता, संसद मध्ये का नाही बोलत. जेव्हा मुसलमान असुद्दीन ओवैसी बोलतात आणि तुमच्या जिभेला काही लखवा मारते का, हा माझा प्रश्न आहे. ठीक आहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. काय नाव आहे तुमचं, तुमचं काय म्हणणं, काय प्रतिक्रिया? बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की तू समाजाचा प्रतिनिधी आहेस, तू विकला जाऊ नकोस, तू विकला जाऊ नकोस. तू जर विकला केलास तर ही आंबेडकरी समाजाची चळवळ ही कमजोर होईल. आणि आज या लोकांनी दाखवून दिलेलं आहे, आमचे लोक काँग्रेसमध्ये जाऊन, आमचे लोक बीजेपीमध्ये जाऊन या समाजाला खच्ची करण्याचं जे कटकारस्थान केलेले आहे तर हेच लोक आहेत. आणि हे सांगतात बाबासाहेबांच्या निर्वाणानंतरही त्या राजघाटावर याच काँग्रेसनं आमच्या बाबासाहेबाला जागा दिली नाही, हेच ते काँग्रेसचे लोक. आणि मोठ्या कोणत्या नाकाने सांगतात की बाबासाहेबाचे दरवाजे आम्ही संसद मध्ये खुले केले म्हणून. अरे साऱ्या लोकांना इतिहास माहित नाही का, सर्वांना इतिहास माहित आहे. आता बाळासाहेब आंबेडकर सतत आपल्या पायाला चाकल लावून पुरा महाराष्ट्र काय पुरा भारतभर पिंजून काढत आहेत आणि वंचिताला न्याय देण्याकरिता काम करत आहेत. माझी अशी आवर्जून सगळ्या या काँग्रेसवाल्यांना, या बीजेपीमध्ये काम करणाऱ्या माझ्या सर्व समाज बांधवांना हात जोडून विनंती आहे. काल जरी तुम्ही करू शकले नसाल पण आता तुम्ही ते करून दाखवा आणि घडवून दाखवा आणि बाबासाहेबांचं स्वप्न तुम्ही पुरे करून दाखवा, तरच तुम्ही बाबासाहेबांची औलाद होऊ शकता. धन्यवाद आहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. भैयाजी ये थे लोगों की, महिलाओं की प्रतिक्रिया को क्या कहना है पीछे में? ठीक है आ रहे आ रहे आ रहे, बहुत बढ़िया आपकी क्या राय है और आपकी में एक मिनट के अंदर बताया आपका शुभ नाम. ज्यांनी 2019 मध्ये आपल्या स्वार्थासाठी या आंबेडकरी समाजाला वंचित केलं त्याला वंचित केलं पाहिजे, कारण बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला या वंचित शोषित मधून बाहेर काढून बौद्ध धर्माची दीक्षा याच भूमीमध्ये दिली. आज जे लोक स्वतःला वंचित करत असतील त्यांनी लक्षात ठेवावं की ज्या बाबासाहेबांनी आम्हाला या दारिद्र्यातून बाहेर काढलं आणि आज जो माणूस आपल्याला 2019 मध्ये दारिद्र्यात टाकत आहे, वंचित करत आहे, त्याला आधी बाजूला काढा. त्याच्यानंतर मी सांगतो बाबासाहेब आंबेडकरांचं जो स्वप्न कोणी जर पूर्ण करत असेल तर ते बहुजन समाज पक्ष आहे, हत्ती आहे त्याचं चिन्ह आणि निडा आहे त्याचं निशान. माणूस जिवंत राहतो आणि मरतो तेव्हापर्यंत तो निडा राहतो. जर तो निडा पिवळा हिरवा काळा होत असेल. ठीक आहे एक मिनिट सबकी राय जाने जाएंगी. ताई तुमचं म्हणणं काय सांगा, एक मिनिट जरा महिलांना बोला. मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उठो मत, आपके पास माइक. ओ साहब वो कोई ये झगड़े वाली मिशन नहीं है, आप अपना काम करो, उसको भी अधिकार है. हेलो आप ऐसा नहीं, हाँ आप एक जन उठो, कोई भी बोलो, हाथ ऊपर करो, माइक आपके पास में आ जाएगा. सर्वांना जय भीम, सर्व शांत रहा. आपल्या बौद्ध धर्मामध्ये हे आपल्याला नीती नाही दिलेली आहे. आपण असं ओरडायचं नसतं, एका आपण चांगल्या पद्धतीनं आपले विचार आपण ठेवू शकतो, आपण आपलं शांतपणे आपले प्रश्न ठेवू शकतो. आता मी जे विचार म्हणत आहे तर मी त्याबद्दल बोलते. तर मला सर्वात पहिले तर मी भाजपासाठी मी आता खूप लोकांनी इतिहासाच्या सांगितलं, मी वर्तमानामध्ये सांगितलं. मी काही मोठी काही मला काही समजत नाही तेवढं, मी साधारण गृहिणी आहे. तरी जे मी संचार माध्यमातून जे मी बघते त्याच्यामध्ये मी जे ऐकलं त्याच्यामध्ये मी असं ऐकलं की पुण्यातल्या ज्या दोन आमदार आहेत त्या मेधा कुलकर्णी आणि फडणवीस साहेबाच्या ज्या काकू आहेत शोभा फडणवीस, ह्या दोघांनी म्हटलं की ब्राह्मण समाजच नेतृत्व करण्याची याने क्षमता आहे. त्याच्याशिवाय आणखी दुसरे इतर महिला वर्ग, इतर ओबीसी याने इतर वंचितामध्ये ही क्षमता नाही आहे. तर भाजपा जेव्हा आपल्याला असं म्हणते की तुम्ही समान, आम्ही समानता देतो, आम्ही सगळ्याला सर्व अधिकार देत आहो, तर हे अधिकार आणि ह्या दोन्ही ज्या गोष्टी आहे किती विरोधाभास आहे याच्यावर आपलं वक्तव्य करावं.
तसंच मला ते उत्तर प्रदेशाचे मधु मिश्रा आहे त्यांनी तुम्ही ऐकलं असेल कुठं व्हाट्सअपवर वगैरे मी पण ऐकलं आहे याद करो संविधान के सहारे जो आपके सर पर बैठकर राज कर रहे हैं वो कभी हमारे जूते साफ करते थे इस तरीके की जो वक्तव्य करते हैं तो हमने क्या करना चाहिए। हम जो बहुजन लोग हैं आज मेरा एक और कहना है हम दलित करके सिर्फ हमारे बौद्ध समाज को ही हम दलित बोलते हैं लेकिन हमारा बौद्ध बाबा साहब का जो दृष्टिकोण था वो सिर्फ बौद्ध करके लोगों के लिए नहीं था बल्कि पूरे ओबीसी और जितने वंचित लोग हैं इन सबके लिए वो जो था बोलना उनका वो सभी लोगों के लिए था। हम इस बात को अपनी नज़र को बढ़ा के देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक मिनट ये कांग्रेस के लिए बोलना है उसके बाद मैं थोड़ा सा वंचित आघाड़ी पे बोलूंगी। हाँ तो कांग्रेस के लिए मेरे को यह कहना है कि कांग्रेस के ठीक है कांग्रेस के इसमें बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली बहुत सारा कुछ हुआ ये मैं मान्य करती हूँ परंतु जैसे संविधान के बारे में हमको खुद ही नहीं मालूम था कि बाबा साहब ने हमको यही अधिकार दिए है। ये हमको वीपी सिंह जब यहाँ पर शासन कर आए और तब जब ओबीसी लोगों ने अपने आप को जलाया कि हमको तो अधिकार ही नहीं है हमको तो आरक्षण ही नहीं मिलता तो ये लोग सारे ये जो बौद्ध समाज के लोग हैं एससी लोग हैं इनको ही सारा आरक्षण मिलता है। मैं बोलती हूँ अगर ऐसा है तो हम लोग तो सब ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर रहना चाहिए पर हर जगह ब्राह्मण और ऊंचे वर्ग के ही लोग हैं और हमारे लिए सोचने वाले भी वही लोग हैं। हाँ तो ये जो समीकरण है ये मुझे सही लगता है तो इस पर भी अपने अपना वक्तव्य देना चाहिए। इसी तरह मेरे को बीएसपी के लिए भी कहना है मैं बीएसपी को भी बहुत सम्मान देती हूँ मायावती जी काशीराम जी का मैं आदर करती हूँ परंतु इतने दिनों से हमारे महाराष्ट्र से उनके लिए बहुत धन संपदा गई है यहाँ से उत्तर प्रदेश में परंतु यहाँ पर भी हमने देखा है कि यहाँ से कोई ऐसा प्रतिनिधि ताकत वाला वहाँ नहीं गया है और ना ही हमारी कोई बात रखने की कोशिश की है। तो आज जो बाड़ा साहेब अम्बेडकर है इन्होंने ये जो इतना जो हमारा वंचित समाज है आज हम लोग दूसरों से भीख में मांग रहे थे कि हमको ये अधिकार दो हमको वो अधिकार दो लेकिन आज बाड़ा साहेब अम्बेडकर ने हमको अपने जो संप्रदाय जो जो जातियां है वंचित जातियां उन सब से प्रतिनिधि खड़े करके उन सबको ये अधिकार दिया कि तुम जाओ तुम संसद में जाओ और अपने अधिकार खुद से ले लो। तो ये जो बड़ी बात है तो हर इसमें बोलते हैं कि परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन की जो लहर है ये जो चल रही है और इसको जरूर सक्सेस मिलेगा और आप लोगों ने भी इस विचार को मान्यता देनी चाहिए। इतना कह के मैं धन्यवाद बोलती हूँ। जय भीम जय भारत। महिलाओं ने बहुत अपना सुंदर योगदान दिया है बोला वो उठ के खड़ी होकर नाम बताकर उन्होंने ये इधर के साइड में उन्होंने अपना नाम दिया। आप भी इसी तरह से अगर रिस्पॉन्स करोगे तो सबको बोलने का। राजीव मून मैं सबको जय भीम बोलता चाहता हूँ। अम्बेडकर जनता से मेरी इतनी अपेक्षा है कि आप बोलते कि बाबा साहब ने हमको सारी बातें दी खाने पीने को कपड़ा लत्ता सारी बातें दी बाबा साहब। अपन कुछ लोग ऐसे भी बोलते कि किसी ने मेरी चमड़ी भी उदाड़ी और उसके जूते भी पहनाए तो भी मेरा शरण कम होता उससे। मैं ये बोलता हूँ कांग्रेस वाले को बोलता बीजेपी वाले को बोलता सेना वाले को बोलता और बीएसपी वाले को बोलता कि इन्होंने अपने को क्या दिए। अपना अगर शरण उतारना ही है तो बाबा साहब के घराने का है उनको क्यों नहीं अपना मत दे रहे तुम। बीजेपी वाले आपने देखे होंगे मेरे उम्र से बड़े होंगे छोटे होंगे जो भी होंगे कांग्रेस वाले में अल्टी पल्टी होती बीजेपी वाले में अल्टी पल्टी होती कोई कोई पार्टी में अल्टी पल्टी नहीं होती क्या। आज आएंगे 14 अप्रैल आएंगे बाबा साहब के गले को 51 का हार चढ़ाएंगे कोई 101 का हार चढ़ाएंगे 151 का हार चढ़ाने से तुम्हारे शरण उतरने वाले है क्या। क्या बाबा साहब के जो घराना है उनको अगर तुम धन दौलत तो मंग ही नहीं रहे सिर्फ एक होट मांग रहे धन दौलत पैसा पाने मांग नहीं रहे एक होट मांग रहे। अगर बाबा साहब के घराने को एक होट दिए तो तुम्हारा क्या जाने वाला है। धन्यवाद। पीछे में खड़े हैं प्राध्यापक प्रवीण कांबळे जी है एडवोकेट सुरेश घाटे हैं। सुरेश साहब खड़े रह सकते ना। सुरेश सुरेश खड़े रहे काफी देर से वो बोल रहे सर बताइए बताइए। साथियों ये जो पहले सत्र के अंदर जो विषय पर चर्चा हुई उसमें ये जो दीक्षा है नागपुर जो शहर है नागपुर शहर की गरिमा ये गरिमा कैसी आएगी इसके बारे में ये पहला चर्चा हुआ। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं 1964 से रिपब्लिकन चरव में हूँ। भूदान आंदोलन जो चरव दास गायकवाड़ ने किया उस जमाने में मैं 16 साल का था।
जेल के दर्ज पर गया, 16 साल का होने की वजह से मुझे वहाँ से निकाला गया। मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ मैं कि मैं 67 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस करता था, 67 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्विस करके बाद में भी मैं दिन रात अम्बेडकर चरवा कोई भी आंदोलन नहीं होगा कि सुरेश घाटे किसी चर 1966 यू हैव टू काउंट हाउ मेनी इयर्स आई वाज इन द फील्ड, मैं कितने साल से था। साथियों आज हमारे बहनों ने अपनी भावना व्यक्त किए, अब ये जुम्मे दिन कितने बचे इलेक्शन को, 11 तारीख को हमको बटन दबा के किसको चुन के लाना है, 9 तारीख को हमारा इलेक्शन बंद हो जाएगा, 9 तारीख को शाम को बंद हो जाएगा। साथियों हमको 4-5 दिन बचे हैं और इस 4-5 दिन के अंदर में हम किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते। मेरा जो अनुभव है, मैं अपने घर में बहुत अच्छा भैया को अच्छे से पता है कि मैं फंड से आई वॉज वेरी वेल सेटल, मेरी पत्नी डिप्टी कमिश्नर थी, मैं अच्छा ऑफिसर था इनकम टैक्स में। गाड़े साहब सुनो, आप इन बच्चों ने क्या करना चाहिए आप? हाँ, इन बच्चों ने ये करना चाहिए। हाँ, आज के हालत के अंदर में हमारा जो पहला शत्रु है ये पहला शत्रु भाजपा है, क्योंकि भाजपा जो संविधान की बातें बार बार बोल रहा है, हमको भाजपा को कुचलना है और भाजपा को कुचलने की ताकत आज के हाथ में आगाड़ी में है, ठीक है, ठीक देश में है वो ताकत जी, कांग्रेस आप इस नहीं ख्याल होगा आज हमारा मत। बिल्कुल बिल्कुल घाटे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आपने बोला, और भी लोग हैं इधर, प्राध्यापक प्रवीण कांबड़े साहब, अच्छा दामोदर कावरे साहब, भैया जी ने एक बात बोले कि ये नागपुर शहर जो है बाबा साहब के गढ़ रहा है, भी मैं गढ़ पे बात करूंगा, बाकी चीज पे बात बोलना नहीं चाहता। ये गढ़ क्यों खत्म हुआ, गढ़ खत्म होने के कारण आपको ढूंढना है और समझना है, फिटियालों की पैदाश हमारे समाज में ज्यादा हुई इसलिए गढ़ खत्म हुआ। इतनी बात बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, जय भीम। धन्यवाद दामो, इधर इधर साइड में आओ महेश नागपुर जी, इधर ठीक है, धन्यवाद। संगदीप उके साहब है, प्राध्यापक प्रवीण कांबड़े है, थोड़ा समय थोड़ा जितना लगता है थोड़ा एक मेरा नाम प्रवीण कांबड़े जी, मैं धर्मपाल मिश्राम जी से एक बात कहना चाहूंगा, एक प्रश्न है मेरा। जी जी बिल्कुल, कि उनका मैं उनकी बात को मैंने अच्छे से सुना हूं और धर्मपाल मिश्राम जी से मेरा यही प्रश्न है कि उन्होंने एक बात रखी कि इस देश का में अगर अच्छा पर्याय और अच्छे कामों को सुलझाना है तो संघ गोलवलकर और बाबा साहब ये दोनों के विचारों को हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहिए, ऐसी बात आदरणीय धर्मपाल मिश्राम ने रखी। मेरा प्रश्न है कि अंबेडकर और गोलवलकर को साथ साथ लेके कैसे चल सकते, इसका पर्याय आप बताएं। जरूर। और दूसरा प्रश्न मेरा सेवड़े जी को है और रवि भाऊ शिंदे को है, उनको भी मैं अच्छी तरह से सुना हूँ, उन्होंने मुझे एक बात बताना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने पूरे किताबों में बहुजन शब्द कहाँ लिखा है और कब बोला है, इसका उत्तर दोनों ने देना चाहिए, यही मैं उनसे विनती करता हूँ, उत्तम जी शेवड़े और रवि भाऊ शिंदे। और इस साइड में कोई बोलने वाला है, क्योंकि मैं वक्ताओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देखिए आपके हेलो बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए जो जो प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्न है उनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्न पूछिए। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत दिनों के बाद में मैदान में आपके सामने आए हैं तो कुछ तो बातें होनी चाहिए, बोलिए। सर मैं प्रोफेसर सुधीर गोवर्धन हूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में कोई गलत बातचीत यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हर एक पार्टी अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलती है, जैसे बीजेपी की अपनी एक अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपनी एक आइडियोलॉजी है और बीएसपी की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन अभी जो वंचित बहुजन आघाड़ी की जो स्थापना हुई, जो 6-7 महीने अभी हो गए, वो जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को लेकर चल रहे हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग मुझे बाकी कहीं पार्टी में भी दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए बीजेपी अगर कितना भी चाहेंगी तो यहाँ के जो देशवासी है, भारतवासी है, जो बहुजन है, 85% जो लोग हैं, उनको साथ में लेकर वो कभी नहीं जा सकती और उनको लेकर कभी साथ चल नहीं सकती, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उस आधार पर नहीं है, उनका जो बेस है वो बेस बहुत ही डिफरेंट है। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही अलग है,
कांग्रेस सिर्फ मतों को बटोरना चाहती है और अपने रोटी को सेकना चाहती है, इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, जो बीएसपी की यहाँ पे जो बात मैं अभी कर रहा हूँ कि बीएसपी कोई गलत आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चल रही है, वो अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर चल रही है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से अगर ये अम्बेडकरी आइडियोलॉजी को लेकर चलती तो शायद यूपी में उनकी गवर्नमेंट खत्म नहीं होती। कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोरियां है। आपको कोई प्रश्न होगा तो उनसे पूछो कि क्यों पूछा, क्या हुआ कमजोरी, बराबर है? वो तो दावा कर रहे हैं अभी बीएसपी वाले कि 50 उनके मेंबर आप पार्लियामेंट आएंगे, बराबर है? तो आप भी इधर से क्या मुझे लगता है कि आप माइक इधर दे दो, आपका प्रश्न छेवड़े जी उसका उत्तर देंगे, और कोई बोलना चाहता होगा तो जरूर बोलना चाहिए उन्होंने। हेलो, इधर साइड में कोई कोई बोलने वाला? हाँ नहीं, आपने हाथ दिया है आपको हम देंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग और 5 मिनट दे सकते हैं इस चर्चा को, फिर बाकी वक्ताओं को समय मिलना चाहिए, ऐसा सभी बोलेंगे ऐसा नहीं होता, एक जन कोई भी बोलो, इधर महिलाओं को भी हमको समय देना है। माझा नाव हरिदास गवई है। बाबा साहेबांनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्थापन केली होती, त्याच्यानंतर जो चुनाव झाले होते बाबासाहेब मृत्यूनंतर, तर पूर्ण देशातून 9 खासदार निवडून आले होते, त्यापैकी 6 खासदार महाराष्ट्रातून होते आणि 3 खासदार बाहेर देशातून आले होते, त्याच स्टेटमधून, त्याच धर्तीवर बाळासाहेब आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडी स्थापन करून या देश या महाराष्ट्रामध्ये कमीत कमी 35 खासदार निवडून येतील अशी मला गॅरंटी आहे। दुसरी गोष्ट अशी की आपण ज्या आपल्याला आपलं आपण जेव्हा आपल्या मुलीचं लग्न करतो तेव्हा आपण मुलगा पाहतो, मुलगा पाहत असताना त्याचं पूर्ण चरित्र पाहतो, तो कसा आहे, दारू पितो काय, गांजा पितो काय, वाईट सवय आहे का, हे या प्रकारचं आपण पाहतो। त्याचप्रमाणे आपण आपलं जे मतदान दिलेलं आहे त्या मतदानाचा उपयोग आपला नेता कसा आहे आणि आपल्याला कोण न्याय देऊ शकतो हेच आपण लक्षात ठेवून आपण आपण उद्धार मतदान करावं, हेच माझी विनंती आहे। क्या नाम है आपका, क्या कहना? मेरा नाम देवेंद्र डोंगरे है। भैया जी ने जैसे बताया कि यहाँ अपनी जो नाड़ है वो आम्बेडकरी चळवळ से जुड़ी हुई है, लेकिन आम्बेडकरी चळवळ का मतलब क्या है? यानी आम्बेडकरी चळवळ ये स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमान जो है कैसे प्राप्त करे, इसके लिए वो लड़ाई है। मेरा प्रस्तावितों से यह निवेदन है कि जो आज तक की उन्होंने जो काम किया है उससे सिर्फ उन्होंने लाचारी ही जनता को या फिर सबको दी हुई है। प्रश्न यह है कि उन्होंने आज तक ऐसी कौन सी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है कि उससे देश की लाचारी पूरी तरह नस्तनाबूद हो सके। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अभी मैं क्या बोलता हूँ, ताई की तरफ दे दो अभी हम, क्योंकि हमारे पास में समय को अपना नाम, क्योंकि इतने सारे ममता बोदेले, मला फक्त इथे 3 प्रश्न असं विचारायचे आहे। एक म्हणजे संविधान जाळलं तेव्हा काँग्रेस वाले कुठे गेले होते आणि बीजेपी वाले, त्यानंतर 70 वर्ष झाले ह्या लोकांचं आळीपाळीनेच राज्य होऊन राहिलं आहे, आता आपल्या आम्ही आता जागृत झालंय सर, आताच आम्हाला खैरकर साहेबांनी म्हटलेलं आहे की आता इथला किल्ला बाल किल्ला हे वगैरे सगळं विचारलं आम्हाला, पण आम्ही आता जागृत झालेलो आहो कारण बाळासाहेबांनी आम्हाला सही दिशा दिलेली आहे, कारण वंचित बहुजन आघाडी आम्हाला तिथे संसदपर्यंत सुद्धा जाऊ देत नाही आणि आम्ही आता सगळे मिळून आम्ही आता खेरलांजी, परत एक म्हणजे अजून आहे की खेरलांजीमध्ये एवढं सगळं उद्ध्वस्त झालं कुटुंब, भोतमांगे परिवार सगळं गेला पण त्याचा निर्णय अजूनही नाही मिळाला आणि त्या पडोळे माणसाला इथे नागपूरवरून उभं राहून ठेवलं आणि आम्ही कसं जायचं त्या इकडे काँग्रेसमध्ये, तुम्ही जे म्हणता ना आणि तुम्ही मेश्राम सगळेजण मेश्रामच आहे तिथे MMM, तर ह्या सगळ्यांनी एक विचार करायला पाहिजे की जर आपल्या मुलीवर असं जर काही झालं असतं तर खरंच तुम्ही गेले असते का तिथे, मला याचा प्रश्न द्या। आणि निर्भया तिथे झालं, सुवर्ण होती ती, त्या लोकांना न्याय मिळाला सर, आम्हाला न्याय मिळाला नाही अजून, समजलं का, अजून न्याय मिळाला नाही आम्हाला, आम्हाला न्याय पाहिजे आधी बस। आणि ह्यानंतर बाळासाहेब आंबेडकरांनी जे आम्हाला बहुवंचितमध्ये आम्हाला सगळ्यांना घेऊन चालायचं जे आता त्यांनी हे केलेलं आहे, आम्ही आता इथला सर इथे आता आम्ही बाल किल्ला ठेवू की नाही सगळ्यांनी सांगा, बहुजन वंचित आघाडीचा बारे कपशी दाल। एक मिनट, ये सवाल ऐसा था कि जब भी बहुत जल्लोस के साथ सर जी ने जब भी कैलान जी के बारे में आपने बोला, संक्षिप्त में अपनी राय क्या ये बताइए। मेरा नाम देवेंद्र मेश्राम है, मैं खैरलाल जी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ
कि खैरलाल जी जब घड़ी तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस बोलती है कि हम सामाजिक स्तर ऊंचाना चाहते सब लोगों का। जब खैरलाल जी घड़ी तो कांग्रेस की सरकार थी और तब नाना पटोड़े ने सब खैरलाल जी घड़ाने वालों को साथ दिया था। हाँ, जो खोबरा गड़े का खून किया था वो खोबरा गड़े को दो दिन अपने घर में पनाह दी थी। ये सब ऐसा उम्मीदवार ये खड़ा किया है ये कांग्रेस वालों ने। आज हमारे बाड़ा साहब आम्बेडकर ने पूरे महाराष्ट्र में सब जाति के धर्म के लोगों को छोटी छोटी जाति के लोगों को उम्मीदवारी दी है। आज तक कांग्रेस ने भी नहीं दी और बीजेपी ने भी नहीं दी। ये दोनों ने नहीं दी, कोई पार्टी ने नहीं दी है अभी ये छोटे छोटे लोगों को। आज तक वो वंचित थे, वंचित लोगों को आज खासदार बना के जो अपने अपने जो सब उसने जो प्रश्न है सबके वो प्रश्न छुड़ाने के लिए बाड़ा साहब ने ये मुहिम शुरू किया है। तो इस मुहिम में सब लोगों ने आने की कोशिश की है। मुसलमानों को भी सीट आज तक बीजेपी ने नहीं दी। ये कांग्रेस पीछे से भेजते है, बीजेपी वाले पीछे से भेजते है और उनको बोलने का भी अधिकार नहीं दिया था। बाबा साहब बोलते थे कि ये पक्ष की जो विचारधारा होती है वो कोई भी समाज का आदमी ये मेसराम को भी भेजेंगे खासदार बनाने के लिए, ये मेसराम को भी खासदार बनाने के लिए भेजेंगे तो भी ये अम्बेडकरी विचार का काम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी विचारधारा गोलवट कर की है। इनकी विचारधारा गांधी जी की है, अम्बेडकर की विचारधारा इनके पास नहीं हो सकती। बहुत ही मैं अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इस चर्चा को नहीं, मैं तो आपको पहले ही देने वाला था, अभी भी दे सकता हूं। लो एक लास्ट, ठीक है, हम लोग नहीं तो वो वक्ता लोग बोलेंगे हमको भाषण। हेलो, तो लो ना, तो क्या फर्क पड़ता है, आप भी नहीं तो कैसा हो। एक मिनट, वो तो हाँ बोलो अपना सर, नाम बताओ। मैं रवि भाऊ से सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सेंसिटिव सवाल है। रवि भाऊ बोलो, नागपुर में, नागपुर लोकसभा के ऊपर मैं पूछना चाहता हूँ कि नागपुर लोकसभा में आपका एक भी नगर सेवक नहीं है, आपका एक भी कैडर बेस नहीं है और कैडर बेस कार्यकर्ता अभी अभी शायद बने होंगे कुछ जिद्दी से, मगर आप लोग आता प्रश्न तो विचारू डालो ना। मैं रवि भाऊ बोलो बोलो, अपन बहुजन वंचित, हेलो हेलो, अरे हेलो, बहुजन वंचित आघाडीचे जे उमेदवार आहेत त्यांना आपण कसे निवडून आणाल याचं स्पष्टीकरण मला आपल्याकडून पाहिजे असं मी विचारतो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक ठीक अरे झालं हो, गप बसा रमेश भाऊ, गप बसा। तिथे प्रश्न पूछना चाहिए यार, ये तो बात है, उन्होंने बोला, पूछने दो ना। मैंने आप लोगों को ये नहीं सोचा कि आपने नहीं बोलना चाहिए, मैं सिर्फ अभी एक आदमी को, पीछे से एक लेडीज का हाथ आ रहा है, ठीक है, आप एक और ये आदमी एक, ठीक है, प्रश्न पूछेंगे तो आप मैडम इधर सामने आ जाइए। हाँ, और एक आप भाई। हेलो, आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ना कोई पार्टी से रिलेटेड हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से, मैं एक अपने आप को एक अम्बेडकरवादी समझता हूँ। हम लोग अभी एक छोटे से ग्रुप में यहाँ जमा हुए हैं लेकिन हम लोग सब एक ही है। अम्बेडकर कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, वो हम सबके बाप है और हमारा बाप एक ही है, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बोलूँगा उसके बाद में मैं प्रश्न करूँगा। फिर भी हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हमारी नागपुर में जनसंख्या जो है बौद्धों की, जो वोटिंग है 5.5 लाख है। यदि हमने सिर्फ वोट दिए कोई एक कैंडिडेट को चुन के, सब समाज ने एक कैंडिडेट को चुन के यदि वोट करते हैं तो वो श्योरली जीत के आता है। लेकिन आपस में हम कम से कम 100 लोग यहाँ बैठ रहे हैं और 100 लोग की 10 पार्टियाँ हैं एक ही समाज की, तो हम कैसा हमारा उम्मीदवार चुन के ला सकते हैं। आज ना हम नगर सेवक बना पा रहे हैं ठीक से, ना आमदार बना पा रहे हैं, खासदार और मंत्री की तो बात तो दूर ही है। हम लोग सब वेल एजुकेटेड है और अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, IAS ऑफिसर है, कलेक्टर बन गए, जज बन गए, लेकिन फिर भी हम इतने डिवाइडेड है और हमारा फायदा सब लोग उठा रहे हैं। BSP 35 साल से 40 साल से समाज में काम कर रही है, कैडर बेस कर रही है। प्रकाश अंबेडकर, बाड़ा साहब अंबेडकर भी 35 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी काम कर रही है, बीजेपी भी काम कर रही है। अभी ये आपस में झगड़ने का वक्त नहीं है, अभी हम सब लोगों ने मिल के प्रकाश अंबेडकर जी रहो, बहुजन वंचित आघाड़ी रहो, BSP रहो या जो भी रहो, इनका बाप तो सब एक ही अंबेडकर ही है ना,
कोई रक्त है, रक्त मतलब रक्त से पैदा हुआ है इसलिए रक्त है, ठीक है, लेकिन हम भी तो सब उनके वारस है, हम भी बाबा साहब के बेटे हैं, हम भी उनकी औलाद है, तो आपस में ये रक्त और इसकी बात क्यों आ रही है हमारे बीच में? हम लोगों ने आपस में बैठ के, और हम मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी 35 साल का रिकॉर्ड ले लीजिए, RPI कम से कम 50 गुट में है, अभी BSP के भी गुट हो गए हैं और बहुत सारे गुट हो गए, अभी हमारा वोट ऑफ परसेंटेज 35 साल से जो हमारे, या 20 साल से ले लो, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज ठीक है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड सर, आप कोई बहुत सुंदर संदेश देने का कोशिश नहीं, मुझे प्रश्न तो करने दीजिए सर, एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप, एक प्रश्न नहीं एक्चुअली कैसे है उसके हिस्ट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा ना, 5-10 मिनट देखो, अपने सभी लोग, मैं ये समझता हूँ की अब नागपुर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो नागपुर में हमारे 5.5 लाख लोग हैं सिर्फ बुद्धिस्ट, चलो 15,000 जाति है उसमें भी सिर्फ महार एक जाति है वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुए, 5.5 लाख है, तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रकाश अंबेडकर जी जो अकोला से उन्होंने प्रस्तावित है, तो उन्हें नागपुर से लड़ना चाहिए, तो नागपुर की सीट श्योरली आ सकती है हमारी, और सारे लोग बिना इसके उनको समर्थन भी दे सकते हैं, हम आपस में लड़ना छोड़ के हमारी ताकत बनाए और हमारे खासदार आमदार और नगर सेवक बनाए, मैं ऐसा बोलता हूँ, धन्यवाद, बहुत सुंदर संदेश दिया, क्या क्या रहा है आपका, शुभराम क्या खड़ी सर्वांना माझा जय भीम, आणि मी माझा माझा प्रश्न असा आहे की प्रियंका गांधी जेव्हा तुम्हाला इंदिरा गांधी मध्ये रूपांतरित दिसते तर आम्हाला पण आमचे बाळासाहेब बाबासाहेबच्या रूपामध्ये दिसतात, बस हेच म्हणायचं आहे, जय भीम। मैं बोलता हूँ ये शहर सब विद्वानों का शहर है, आंबेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए, नहीं नहीं भैया मैं आपके तरफ भेजा था, आप बाजू में थे, अभी अभी हमारा समय नहीं, तो ये वक्ता लोग क्या बोलेंगे कि ये बोलेंगे यार ये पब्लिक का सुनने के लिए, बहुत सारे लोगों ने अच्छी राय दी, कुछ सुनना चाहिए हम लोगों ने, हम में से हर एक आदमी विद्वान है, हर एक आदमी विचारवंत है, क्योंकि हम उस विचारवंत बाप के बेटे हैं, हम में से कोई कमी नहीं कि किसी के पास विचार है नहीं है, लेकिन अब समय जो है हमारा कि इतने सारे प्रश्न उपस्थित हुए हैं और इतने सारे प्रश्न उपस्थित होने के बाद अगर उन्होंने अगर उस बात पर चिंतन नहीं किया, कोई सवाल का जवाब रवि भाऊ ने नहीं दिया या उत्तम छेवड़े जी ने कोई बात का जवाब नहीं दिया, देखिए कभी कभी अपना भाषण देना बहुत सही होता है, मैं बोल के चला गया, लेकिन किसी को उत्तर देना, किसी से सुनना है ना, अभी बड़ा अच्छा मौका है यार आपके हाथ में कि वो लोग आपके सामने और वो जवाबदार है कि वो यहाँ पर आपने कुछ मन में जो प्रश्न है तो उन्होंने उत्तर देना चाहिए, ऐसी भी परंपरा अभी टीवी चैनल है, इसलिए इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मैं फिर से हमारे सीनियर मेश्राम साहब को है ना कि अभी कोई घटवट में नहीं है ना, नहीं है वो तो आप अपने से, क्योंकि आपके प्रति आप भी ये सारी बातों के प्रति उत्तरदायी है, तो आपसे ही हम शुरू करते हैं कि इन बात को कैसे आप इस पब्लिक के रिस्पांस को आप रखेंगे। ये बात तो सच है कि एक मेरे राइट साइड में मेश्राम जी है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और दूसरे लेफ्ट साइड में मेश्राम जी है जो भाजपा से जुड़े हैं और दोनों के बीच में मैं एक मेश्राम ऐसा हूँ जो मैं दोनों पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ लेकिन अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ा हूँ। तो मैं मेरी जो बात और मेरे विचार जो रखूँगा वो पार्टी से परे हो गए, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पोलिटिकल मूवमेंट और रिपब्लिकन पार्टी को सामने रखते हुए उनके मूवमेंट का एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं मेरी बात को यहाँ पर रखूँगा। दोस्तों जो बात मेश्राम जी ने यहाँ कही है कि कांग्रेस ने जो है वो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका दिया, मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी गहराइयों में उसकी पढ़ाई करने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी स्टेटमेंट जो है जो हम यहाँ पर देते हैं तो स्टेटमेंट के पीछे क्या वस्तुस्थिति है, क्या सत्यता है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला पीछे में है और हम संविधान पार्क में हम लोग खड़े हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा वो इतिहास को फिर से दोहराना चाहूँगा मेश्राम जी कि मैं किसी पार्टी का विरोधक नहीं हूँ, मैं उसके फिलॉसॉफी का, उसके मूल्यों का, उसके तत्वों का मैं विरोध करता हूँ। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के तत्वों के खिलाफ हो, वो वक्त था जब कांग्रेस ने तय किया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देश के किसी भी कोने से हम संविधान सभा में आने नहीं देंगे, लेकिन ये जो कर्म भूमि थी महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर की, ऐसे रास्ते और ऐसे बंदियां कर दी गई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी दरवाजे से संविधान
सभा तक ना पहुंचे, सच्चाई है। और उसी वक्त बंगाल से बाबा साहब अंबेडकर को उसी मंडल ने पुड़ाकार लेके, जिस बंगाल में बाबा साहब का काम नहीं था लेकिन विचारों पे, तत्वों पे और बुद्धि पे विश्वास करने वाले जो लोग बंगाली लोग थे, उन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में चुन के भेजा। ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। जो मराठी आदमी, हिंदी आदमी, बाबा साहब को मानने वाले, बड़े तबके में रहने वाले आदमी जो बाबा साहब को संविधान सभा पे नहीं भेज पाए, ये वस्तुस्थिति है, आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और लेकिन हम लोग फिर बाद में क्या देखें, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो बंगाल भी पाकिस्तान में चला गया, और बाबा साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में संविधान सभा में चुन के आए उनकी सीट खाली हो गई, संविधान सभा में नहीं रहे बाबा साहब। लेकिन आप याद रखो, मैं सारे बीजेपी और कांग्रेस के तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब संविधान सभा में जाने के पहले पहले संविधान सभा का जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण है, वो भाषण जो ऐतिहासिक ऐसा भाषण हुआ है, एक आदमी जो पूरे संविधान सभा में पूरे कांग्रेस के लोग, और एक आदमी जो नॉन कांग्रेस जो था जो संविधान सभा में आया हुआ था, उसे राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप कुछ कहना चाहते हैं आप कहिए, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वो संविधान सभा का पहला भाषण किया था। क्या कहा था उन्होंने कि अगर इस देश में अगर जाति धर्म भाषा इसके आधार पे अगर इस देश में अगर भेदभाव अगर नष्ट हो जाएंगे और सब लोग एकता के साथ रहेंगे तो ये भारत देश जो है इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगी। और सारे संविधान सभा ने तालियां बजा के बाबा साहब के उस भाषण का स्वागत किया। तब लोगों को लगने लगा कि बाबा साहब के जैसा राष्ट्रवादी पुरुष जो है, जो आज तक हम बाबा साहब के नाम से उंगलियां तोड़ते थे, उन्हें संविधान सभा के सारे दरवाजे बंद कर दिए, और ये आदमी जो हजारों साल अन्याय सहते रहा आज लेकिन संविधान सभा में खड़ा हुआ तो देश को वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता है। इसके जैसा राष्ट्रवादी आदमी संविधान सभा में दूसरा हो नहीं सकता। और उसके बाद ये जो राष्ट्रवाद बाबा साहब के तत्वों ने और विचारों ने संविधान सभा में दिया, लेकिन संविधान सभा जब बाबा साहब का मार्ग खत्म हुआ बंगाल जाने के बाद, तो उसी संविधान सभा को ये महसूस होने लगा कि इस देश का संविधान अगर बनाना है तो जो विचार बाबा साहब ने संविधान सभा में रखा है, इस बाबा साहब अंबेडकर की इस देश के संविधान सभा को और संविधान बनाने के मेकर में बाबा साहब की जरूरत है, ऐसा कांग्रेस वालों को लगने लगा। ये बाबा साहब के विचारों का देखो, बाबा साहब ने अपने एक भाषण में लोगों के विचारों में जो परिवर्तन किया, और बाद में हम देखते हैं कि संविधान सभा में बाबा साहब को लाने के लिए जो लोगों ने दरवाजे बंद किए थे उसी लोगों ने दरवाजे खोल दिए और बाबा साहब को संविधान सभा में लाना पड़ा। ये इसका योगदान जो है, मैं किसी पार्टी को नहीं देना चाहूंगा, इसका योगदान जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विद्वत्ता को मैं देना चाहूंगा कि मेरी जरूरत पड़ी है, जो लोगों ने दरवाजे बंद किए थे आज मेरे विचारों के साथ ये सहमत हो गए और आज इन्हें लगने लगा कि संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर की जरूरत है। दूसरा मुद्दा मैं यहां पर मैं रखना चाहूंगा कि दोस्तों कि हम लोग जो है हम टॉलरेंस पे विश्वास करते, भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले हम लोग, जिस देश में तार्किकता सत्सद विवेक बुद्धि आर्गुमेंट जब खत्म हो जाते हैं तब लोग इस देश में दाभोलकर को मारते हैं, इस देश में लोग पानसरे को मारते हैं, गुलबर्गी को मारते हैं। और आप ये लोग जान में ध्यान में रखिए कि हम लोग इन लोगों ने बाबा साहब के मूवमेंट में कोई भी सवाल खड़ा किया तो तत्तात्विकता के साथ हम लोग उनके सवालों को जवाब देने के लिए समर्थ है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि हमें चिल्लाना चाहिए जी। आवश्यक नहीं है कि हमने नारेबाजी लगाना चाहिए, नारेबाजी वही लगाते हैं जिनकी तर्क शून्यता और क्षमता खत्म हो जाती है। और हम आपके हर सवालों का जवाब दलित साहित्य से दिया, हमने आपके हर सवालों का जवाब हमारे ग्रामीण साहित्य से दिया, हम आपने हर सवालों का जवाब हमारे विद्वत्ता से दिया, तो हमें बाकी पार्टियों के जैसा
हो हल्ला करने की जरूरत नहीं, पानसरे करने की जरूरत नहीं, दाबोड़कर करने की जरूरत नहीं। हम आपके सारे चीजों का जवाब हमने तात्विकता के साथ और सत्सत बुद्धि के साथ, विवेक के साथ हम लोग देना चाहते। और हम बाबा साहब अंबेडकर जो अकेले पार्लियामेंट में थे, संविधान में थे, सारे लोग सारे खिलाफ में थे, लेकिन एक आदमी जो था जिसने उनके सारे सवालों का जवाब तार्किकता से दिया, सारे सवालों का जवाब सत्सत बुद्धि के साथ दिया, विवेक के साथ दिया, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का विजय हुआ। और इसलिए हम उस विचारों को मानने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ लोग कितने भी सवाल खड़े कर दिए, कुछ भी विचार रखे, हम लोगों ने अपने टॉलरेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात मेरे सारे अंबेडकरवादी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम विचारों पर विश्वास करते हैं, चिल्लाने पर विश्वास नहीं करते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो विचार यहाँ पर आए कुछ लोगों ने यहाँ पर रखे हैं, मुद्दा जो है यहाँ पर हम लोग लड़ाई जो है वो नाक की लड़ रहे या नथनी की लड़ रहे, सवाल ये है। लड़ाई जो है वो नाक की है या नथनी की है? खासदार की लड़ाई, आमदार की लड़ाई, कारपोरेशन की लड़ाई, ये नाक की लड़ाई नहीं होती, ये नथनी की लड़ाई होती। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाक के लिए लड़ना चाहते हैं। अगर नाक बचेगा तो हजार नथनी आएगी, नाक बचेगा तो हजार खासदार बनेंगे, हजार आमदार बनेंगे, लेकिन नाक ही अगर कट जाएगा तो नथनी कहां डालोगे, सवाल ये बात है। और इसलिए हम लोगों ने नाक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और आज हम लोग हम देखते हैं कि सबसे बेसिक अंबेडकरी मूवमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि जो राजकीय सत्ता के जो पद है ये पद तुम्हारे जिंदगी के साध्य नहीं है, ये समाज परिवर्तन के साधन है, यह आपने समझना चाहिए। आज हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम दो खासदार बन जाएंगे, चार खासदार बन जाएंगे, आमदार बन जाएंगे, नगर सेवक बन जाएंगे, इसका मतलब है कि हमने हमारे जिंदगी का जो बाबा साहब कहते थे कि जो साधन है उसे साधन नहीं समझ रहे, हम उसे हमारे जिंदगी का साध्य समझ रहे, हम हमारे मूवमेंट का वो साध्य समझ रहे, और यहीं पर ही गफलत हो रही है, आपने ध्यान में रखना चाहिए। हम जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ निगोशिएशन करते, कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ निगोशिएशन किया, आठवले जी इनके साथ में बैठे हुए, कवाड़े जी इनके साथ में बैठे हुए, गवई इनके साथ में बैठे हुए, मेरा ये कहना है कि तुम किनके साथ में भी बैठो लेकिन तुम नाक से समझौता मत करो नथनी के लिए, ये मेरा कहना है। तो हम हमारे लोग जो उनसे समझौता करते भैया जी, मेरा ये कहना है कि मुद्दों के लिए समझौता करो। खासदार आमदार तो हमारे ताकत पे हम लोग बन जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे, बीजेपी के साथ समझौता करेंगे, उन लोगों ने बोलना चाहिए कि कांग्रेस का अगर मैनिफेस्टो बनता है तो आधा मैनिफेस्टो जो बाबा साहब अंबेडकर रिपब्लिकन के खुले पार्टी में जो मैनिफेस्टो चाहती थी वो आधा मैनिफेस्टो तुम्हारे मैनिफेस्टो में होना चाहिए, ये मुद्दे में आर्गूमेंट होना चाहिए। जो बीजेपी के साथ बैठे हुए उन्होंने ये कहना पड़ेगा कि जब तुम 10% ओपन कैटेगरी के गरीब को अगर आरक्षण देना चाहते हो तो इस देश में प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मुद्दा तुम्हारे उन्होंने आपके साथ में उनके सामने रखना चाहिए। जो कांग्रेस से निगोशिएशन करते उनसे ये कहना चाहिए कि यूपीएससी में पाली हटाई गई, निगोशिएशन करके चर्चा करके हम तुम्हारे साथ तब पैट करेंगे जब यूपीएससी में पाली आप लोग रखने की अपने मैनिफेस्टो में बात करोगे। आप 13 पॉइंट रोस्टर के आधार पे इस देश के क्लास 1 से टीचर के बड़े पदों का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया है आप लोगों ने। हम तुम्हारे साथ बैठे हुए हम इसलिए नहीं बैठे कि हमको एमएलसी बनना है, हम तुम्हारे साथ इसलिए बैठे कि अगर तुम सत्ता में आओगे तो 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके ये कैडर बेस्ड रोस्टर जो है हम लोग लाएंगे। इस मुद्दे पे उनके साथ में चर्चा होना चाहिए। और इसलिए जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बनी हुए, वहां रिजर्वेशन नहीं है तो 65% सीटें जो है वो खाजगी मेडिकल कॉलेज में, और 35% जो सीटें है वो गवर्नमेंट सेक्टर के इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमारे जो गरीब लड़के हैं, जो जिनको एडमिशन नहीं मिलता, जो मेरिटोरियस लड़के हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते, वो लड़के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब जाएंगे, जब वहां रिजर्वेशन होगा, लेकिन वहां रिजर्वेशन नहीं है
तो तुम्हारे साथ समझौता जब हम लोग करेंगे तो अब हमने ये बात करना चाहिए, अरे मुझे खासदार मत बना तो चलेगा, लेकिन तू ये बिल पास करने की बात अपने मैनिफेस्टो में रख कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में आरक्षण हम लोग रखेंगे। ये मुद्दों के आधार पे, इस बात के आधार के ऊपर फिर पॉलिटिकल पार्टी के साथ निगोशिएशन होना चाहिए, लेकिन हम निगोशिएशन नाक का नहीं करते, फिर नतनिका करते हैं, सबसे बड़ी यही बात है। और इसलिए बाबा साहब जो कहते थे कि ये जो पद है, अरे किती आमदार है समाजा मध्ये होऊन गेले, पण आज त्या आमदाराला इतिहासामध्ये त्या आमदाराची कुठे नोंद नाही, कोणी ओळखत नाही, वस्ती मध्ये लक्षात ठेवा। अरे ज्याला कोणी ओळखतच नाही ते होण्यासाठी एवढा सर्वस्वपणाला स्वतःला विकता कशाला, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे। ज्या खासदाराला कोणी ज्या निवडून आला जरी काम नाही केलं त्याला लोक ओळखत नाही, जय भीम करत नाही, त्यासाठी सर्वस्वपणाला लावता कशाला? तुम्ही आंबेडकरी समाजाचा, दलित समाजाचा एखादा इशू, मुद्दा, त्या मुद्द्याच्या आधारावर जर तुम्ही त्यांच्याशी वाटाघाटी केल्या आणि त्या वाटाघाटीमध्ये तुम्ही सक्सेस झाल्यात तर तो आमचा राजकीय विजय ठरेल, तुम्ही आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि म्हणून गोलमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी द्विमतदान पद्धतीवर निगोशिएशन करून ते मिळवून घेतलं होतं, आणि त्यांनी पदाचं बार्गेनिंग केलं असतं तर बाबासाहेब आंबेडकर या देशामध्ये राष्ट्रपती झाले असते आणि प्राइम मिनिस्टर सुद्धा झाले असते, पण त्यांनी पदासाठी निगोशिएशन केलं नाही, मुद्द्यांसाठी निगोशिएशन केलं आहे, तुम्ही आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि जेवढे आमचे रिपब्लिकन गट आहेत त्या सगळ्या गटांना मी सांगू इच्छितो की तुम्ही कोणतीही राजकीय लढाई लढा, कोणासोबतही निगोशिएशन करा, त्यांच्यासोबत बसत असताना सुद्धा तुमचं लक्ष केवळ खासदार पद, तुमचं लक्ष केवळ आमदार पद हे नसावं, तर मुद्द्यांसाठी जे आंबेडकरी समाजाला आज पाहिजे आहे त्या मुद्द्यांच्या आधारावर तुमच्या आमच्या वाटाघाटी झाल्या पाहिजेत, नाहीतर असं होईल वाटा तिकडे आणि घाटा हे। आतापर्यंत निगोशिएशन मध्ये हेच व्हायचं, ते व्हायला नको, आणि म्हणून मुद्द्यांचं राजकारण आंबेडकरी समाजाने केलं पाहिजे जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं, असं मला या ठिकाणी वाटतं। धन्यवाद मेश्राम साहेबांनी, फार सुंदर चर्चा केली। मेश्राम साहेब तुमच्याकडे येतोच आम्ही, म्हणजे माझा विचार तुमच्यावरच सगळे प्रश्न आहेत। नाही थांबा सर, मेश्राम साहेबांनी काय केलं, डॉक्टर पुरण मेश्राम साहेबांनी आपल्याला एक चांगलं मार्गदर्शन, त्यांनी ते आठवले साहेबांना केलं नाही, बरोबर आहे, किंवा युतीबरोबर आरपीआयच्या सगळ्या नेत्यांसोबत त्यांची मैत्री आहे आजपर्यंत, आपल्याला काय एक MLC एक खासदार की वगैरे वगैरे असं सगळं होतं, परंतु एक फार सुंदर मार्मिक विवेचन त्यांनी केलं की बाबासाहेबांच्या एका भाषणामुळे, मला वाटतं 4-9 December 1946 भाषण आहे ते, आणि त्या एका भाषणामुळे, म्हणजे तुम्हाला पुरण मेश्राम साहेबांच्या भाषणामधून हे जरूर कळलं असेल की बाबासाहेबांच्या स्वतःच्या भाषणामुळे त्यांच्यावर जिम्मेदारी आली, ते भाषण असं ते फार विश्लेषण करून सांगू शकतात तुम्ही या विषयावर करीबन, मेश्राम साहेबांना जर पहिल्या दिवशीचं, म्हणजे तुम्हाला काँग्रेसचं काही योगदान आहे, BJP काही योगदान आहे, गांधी मने आणि मग यानं म्हटलं तर ते त्यासाठी पुरण मेश्राम साहेबांना जरूर बोललो। पण ज्यावेळी आता आपण सगळेच लोक याच्यामध्ये चर्चा करतो, मेश्राम साहेबांनी तू फार सुंदर मुद्दा मांडला आहे, तो म्हणजे कोणता मुद्दा, तो म्हणजे नमोशूद्राचा, सगळे ओरडून सांगतात पण तेच नमोशूद्रा या महाराष्ट्रामध्ये इतके वर्ष आहेत, इतके वर्ष ज्यांनी बाबासाहेबांना निवडून आणलं गडचिरोलीमध्ये, भंडाऱ्यामध्ये, त्या सगळ्या प्रांतात, आणि ते यासाठी आले होते की बाबासाहेबांना आम्ही निवडून दिलं, बंगालची फाळणी झाली, काही प्रश्नांवर काही चर्चा होत नाही, मेश्राम साहेबांचं रात्रभर भाषण ठेवायला पाहिजे, आपल्याकडे प्रश्नच नाही राहिले, बाबासाहेबांनी ज्या लोकांना निवडून दिलं त्या लोक नमोशूद्रा फाळणीमुळे अर्धे इकडे आले ना अर्धे काही तिकडे, काय अवस्था असेल कधी विचार केला तुम्ही लोकांनी? आमच्या विचारवंतांनी इथेच आहेत तुमच्या बाजूला, साधं ते कास्ट सर्टिफिकेट, आता तुम्ही वंचितवाले इथं बहुत जास्त दिसले म्हणून मी वंचितवाला, साधं कास्ट सर्टिफिकेट 50 वर्षापासून अजूनपर्यंत बनू नाही शकलं। मेश्राम साहेब तुम्ही चांगलं काम केलं की करीबन आपल्या समाजाला या मुद्द्यावर, मी या सभेमध्ये सगळ्यात मोठे प्रश्न इथे खैरलांजीच्या विषयावर आले, खैरलांजीचा एक भाग मी होतो, मग रवी भाऊ होते, आम्ही बोतमागेच्या केस सुप्रीम कोर्टापर्यंत, कारण की इतके वर्ष याच समाजाने, म्हणजे माझं वैयक्तिक मत आहे की याच समाजाने काँग्रेसला पोचलं इतके वर्ष, कुठलाही उमेदवार आला आहे का नाही दगडापेक्षा वीट मऊ, विटेपेक्षा दगड मऊ, नाही का कोणी आणलं तरी चालतं। आता या महिलांच्या प्रश्नांचे उत्तरं मेश्राम साहेब कसे द्याल, कारण की हा जो नाना पटोले जो इथला आमदार आहे तो त्या आमदारांनी, त्या काळात तिकडे आमदार होता तो, हां
हो यांनाच उत्तर द्यावं लागलं, कोण देईल? त्यांनी तो कॅन्डिडेट इथे आणला, म्हणजे इतका मोठा पैलवान आहे म्हणाले की गडकरी फार जाडाजुडा माणूस आहे, करोडपती माणूस, त्याच्याविरुद्ध कोणी लढायला काँग्रेसजवळ कोणी भेटलं नाही नागपुरात. त्यांनी असा पैलवान उचलून आणला जो शालिनीताई पाटीलचा मित्र होता. मला आठवते रोहित भाऊ बरोबर त्या काळात ती छावा संघटना घेऊन गेली. म्हणजे भारतातली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस आहे. भोतमांगेशी तिच्या परिवाराशी शालिनीताई पाटीलची काही दुश्मनी नव्हती हे सांगावं म्हणून मी सांगतो. कदाचित रवी भाऊ आपले वंचित आघाडी निवडून आले पाहिजे म्हणून हे विसरून जातील कदाचित. हां, लोक इलेक्शनमध्ये जोस त्यांना खासदार आणायचे आहेत 22 म्हणून मी कारण की ते म्हणजे ते मेसराम साहेब तुम्ही विश्लेषण करा. विषय पर जाने से पहले मैं कुछ तथ्य नहीं ना मैं आपको और जानकारी आपको नहीं ना मैं मेरा होगा मैं मेसराम साहब को दूंगा और फिर आपको दूंगा क्योंकि इनके ऊपर वो प्रश्न ज्यादा है. वो तो खैरलाल जी के नहीं आप बोलो. मैं खैरलाल जी के विषय पर जाने से पहले कुछ वैल्यू एड करना चाहता हूँ जो माननीय पूरण भाव ने यहाँ पर कहा. आपको बोलने का मैं संविधान सभा में जिस प्रकार से बाबा का प्रवेश हुआ और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे मित्र उन्होंने मुद्दा उछाला जी, मैं इसमें कुछ वैल्यू एड करना चाहता हूँ. जी जी, बंगाल में जो आज की स्थिति में बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था फालनी के समय में जी. वहां पर प्राध्यापक जोगेंद्रनाथ मंडल या नाम शुद्रा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जी. वे शेड्यूल कास्ट थे और जब बाबा साहब यहां पर चुनकर नहीं जा सके संविधान समिति में तब बाबा साहब को जोगेंद्रनाथ मंडल जो बाबा साहब के शिष्य हुआ करते थे जी. उन्होंने आग्रह किया और जयसर और उन्ना यह इस मतदार क्षेत्र से बाबा साहब संविधान समिति में पहुंचे जैसे तैसे. अब बड़ी मजे की बात है, पाकिस्तान और भारत की स्वतंत्रता के बाद जब फाड़नी हुई उस समय में चूंकि जो पॉलिसी थी कि जहां पर 50% के ऊपर हिंदू समाज हुआ करता था वह बात भारत के साथ जोड़ा जाए और जो 50% से कम हो तो हुआ करता था यानी 50% से ज्यादा जहां मुस्लिम रहते थे वह लोग पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए यह पॉलिसी डिसाइड हुई थी. चूंकि यह प्रदेश में 52% हिंदू कम्युनिटी थी तब भी यह पोर्शन पार्ट पोर्शन कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए तत्कालीन व्यवस्था को बाध्य किया और बाबा साहब को कहा गया कि आप अभी वहां से संविधान समिति के सदस्य है तब आप पाकिस्तान की संविधान समिति के सदस्य होंगे, भारत के संविधान समिति के सदस्य आप हो नहीं सकते. यह कांग्रेस की कर्गजारी थी. बाबा साहब ये सारी चीजों को जानते थे कि मेरा समाज भारत में है और मैं यह चूक जब भी यह अगर पार्ट पोर्शन पाकिस्तान के साथ भी अगर जोड़ा जाए तब भी मैं पाकिस्तान का निवासी नहीं हूंगा. और बाबा साहब ने संविधान समिति का राजीनामा दिया उस समय और उसके बाद में यह सारी परिस्थिति सामने आई. उसके बाद भी एक पोर्शन फिर जोड़ना चाहता हूं कि प्राध्यापक जोगेंद्रनाथ मंडल यह कोलकाता से थे, अभी का जो भारत है वहां की उनका बॉर्न ब्रोटर थे और बाबा साहब ने उनको सलाह दी थी कि आप पाकिस्तान में न जाइए तब भी सत्ता के लिए या जो भी तत्कालीन परिस्थिति थी उसके लिए प्राध्यापक जोगेंद्रनाथ मंडल ने पाकिस्तान की सदस्यता को स्वीकार किया और पाकिस्तान बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मजदूर मंत्री और प्राध्यापक जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले मजदूर मंत्री बने. और बड़ी दुर्दशापूर्ण बात ऐसी हुई कि प्राध्यापक जोगेंद्रनाथ मंडल बैरिस्टर जिना के राजीनामा के बाद उनको ऑप्शन दिए गए, या तो आप मुस्लिम हो जाइए या देश छोड़ दीजिए. प्राध्यापक जोगेंद्रनाथ मंडल ने मुस्लिम धर्म न स्वीकार कर यहां कोलकाता में आकर उनका जो गांव है वह 1960 में मरे. यह सच्चाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अनेक कथित रूप से बाबा साहब के साथ में जो इतिहास मैं आपको बता रहा हूं उसमें आप अभ्यास कीजिए. यह तथ्य है जो आपके सामने बता रहा हूं कि कांग्रेस की करगुजारी कैसी थी. उसके बाद में मैं आप सब लोगों को एक आत्मचिंतन, ये तो मैंने डायस पर इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बात आपको बताई लेकिन अब आप यहां पर जो बैठे हैं उनका भी ध्यान मैं इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं. भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व और कोई है मान के चलते हैं तो निश्चित रूप से उच्चभ्रू समाज के है. कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व कौन है तो वह भी उच्चभ्रू समाज से है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कौन है वो भी उच्चभ्रू समाज से बिलोंग करता है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व कौन है तो वह भी उच्चभ्रू समाज से है. तृणमूल कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व कौन है
वह भी उच्चभ्रू समाज से, जबकि वह सिर्फ अगर आपके कहे अनुसार और इतिहास के अनुसार 3% है और सारे पार्टियों के उच्च स्थान पे, शीर्ष स्थान पर नेतृत्व कर सकते हैं, तो क्यों तुम्हारे समाज के 18% लोग अलग अलग पार्टियों में अपना स्थान ठीक ढंग से बनाने के लिए आपने उनके पीछे कितना देर खड़े रहे, यह भी आपका सवाल है, मेरा सवाल है और आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जहां तक प्रवीण जी ने एक सवाल मेरे साथ में उठाया, मैंने इतना ही कहा, इस बात में मैं फिर दोहराना चाहता हूं, यह मिनिमम कॉमन एजेंडा है सबका। मसला क्या है कि पंक्ति में आखिरी आदमी के साथ न्याय हो, दलित के साथ न्याय हो, शोषित पीड़ित कष्टकारी कामगारी कर्मचारी इसके साथ न्याय हो। अब जब सारी विचारधाराएं है, लोहिया का विचार ऐसा कहता है, गांधी का विचार ऐसा कहता है, बाबा साहब का विचार है और जो भी और अन्य अन्य विचार है, अगर कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत इस समाज की उन्नति के लिए हमने सबकी मदद लेने में क्या दिक्कत होगी, यही मेरा सवाल भी उनसे भी है और उसमें शायद जवाब भी है। धन्यवाद। ठीक है मिश्रम साहब, आप कंटिन्यू कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, मैं आपकी इसलिए राजा चाहता हूं कि यहां पूरन मेश्राम साहब ने आप लोगों को एक उपदेश दिया था कि भाई जब कोई बोल रहा हो तो चिल्लाकर उसको बैठाना ये उचित नहीं है, विचारों का आदान प्रदान होते रहना मैं अभी चाहिए। आप विनती करूंगा अभी कि अभी जो बोले, हाँ जो भी मैं बोलूं, हो सकता है मेरे विचार हो, हो सकता है आपको अच्छे लगे न लगे, मगर सुनने की ताकत अपने में रहना चाहिए। मैं सहमत हूँ पूरन जी से, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, डैश शेयर किया है, 125वीं बाबा साहब की जयंती थी और पूरन जी मेश्राम साहब को हमने मांडर में बुलाया था और तब से एक अलग से सिलसिला। एक मिनट, दो मिनट। देखिए आपने बीच में बोल के बात किया, अब आप कुछ मत बोलिए, के लिए समय एक मिनट, मैं आ रहा हूँ सर, आप पॉइंट बोलिए, देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, आपको गुजारिश करता हूँ। देखिए साहब ऐसा है, एंकर आप हैं, है ना, किसका वॉल्यूम कम करना है और किसका वॉल्यूम रखना है ये आपके ऊपर। नहीं नहीं क्या है बात, एक मिनट, अभी आप बात नहीं करेंगे सर, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, है ना। तो दो बात, जैसे इन्होंने कही कि भाई नाक और नथनी, तो ये नाक और नथनी है क्या, आप बताएं, आप बताएं। पूरन मेश्राम साहब ने दो चीजें की, दो चीजें पूछी आपको कि आप नाक के लिए लड़ रहे हो या नथनी के लिए, तो नाक कौन सी चीज है और नथनी कौन सी चीज है, कुछ बता सकेंगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा प्रश्न तुम्हें विचार बगा, नहीं नहीं आप अपनी भूमिका, अच्छा ठीक है ना। तो अभी नाथ वो खैरला जी वाला मुद्दा जो है ना, वो भाई साहब खैरला जी वाले मुद्दे पर, वो खैरला जी वाला मुद्दा का, आई थिंक यू नो यू आर इन नो पोजीशन टू इवन अंडरस्टैंड, यू आर ओनली रिएक्टिंग, बट रिएक्टिंग इज अ नेचुरल, ये आप पहले समझो उसके बाद में रिएक्ट करो, है ना। दो बात, तो नाक क्या है और नथनी क्या है, बाबा साहब ने इस देश का संविधान कैसे बनाया, क्या है पहले हमारा, हम संविधान में क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता बोलते हैं ना, धर्म निरपेक्षता, ये किसी भी एक धर्म का नहीं, इस देश में सभी बहुत तरह के धर्म है, सबका सम्मान हो, सबको अपनी बात रखने की आजादी हो, तब वो धर्म निरपेक्ष होता है। तो आज जो लड़ाई नाक की और नथनी की है, तो वो नथनी क्या है, नथनी तो सिर्फ सत्ता है, सत्ता से पावर मिलना है और पावर से हमने करना है, और नाक क्या है, नाक ये है कि आज बाबा साहब ने दिए हुए संविधान में धर्म निरपेक्षता की, अगर आप लड़ाई लड़े तो आपकी नाक ऊपर होगी। मैं एक आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स देता हूं, पिछले बार मोदी जी सत्ता में आए, बहुत सारे डिबेट में आपने सुना होगा, कितना परसेंट मत मिला उनको, कितना परसेंट मिला, 35%, ठीक है। अब 35% में एक आदमी, एक विचारधारा, क्योंकि लड़ाई तो विचारधाराओं की है ना, धर्म निरपेक्ष और धर्मांध, यही चीजें हैं, और हमारा संविधान कहता है कि धर्म निरपेक्ष, और आज राज्य जो हो रहा है वो धर्मांध शक्तियों का हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि 65% जब धर्मनिरपेक्ष पार्टियां है तो हम सत्ता पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि हम एकत्र नहीं हो रहे हैं। 65% जो है वो विभाजित कई भागों में हुआ है, मतलब जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हमको धर्मांध शक्तियों से लड़ना है तो हमको कहीं ना कहीं साथ में आना पड़ेगा। ये सत्यता है आज की, और इस सत्यता को आपको स्वीकारना पड़ेगा। एक मुद्दा मैंने क्लियर किया, नाक और नतनी का। अब मैं दूसरा मुद्दा रखना चाहता हूं कि आज के मौजूदा हालात में प्रश्न किस चीज पर उठा हुआ है। प्रश्न उठा है कि बाबा साहब ने संविधान में लोकशाही की स्थापना की, लोकशाही की स्थापना जिसकी जितनी लोक संख्या उतना उसका अधिकार। यह लोकशाही की एक सिंपल सेंटेंस में परिभाषा है। बाबा साहब ने संविधान तैयार किया। अभी पूरन मेश्राम साहब ने बताया कि सत्ता शासक बनना, सिर्फ शासक बनने से ही आप बाबा साहब के विचारों को सब संसद में नहीं रख पाएंगे। बाबा साहब ने जो उद्दिष्ट दिए हैं उसको बचाने के लिए आपको वहां लड़ना पड़ेगा। कितने हमारे दलित सांसद हैं बताइए, आप लोग बहुत अभ्यास करते हैं, कितने दलित सांसद हैं? अरे तुम अच्छा अलग अलग विचार दीजिएगा और बाद में जाके पढ़िएगा जरूर। अगर उन सब लोगों की आस्था बाबा साहब के विचारों में है तो इस देश में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसका संविधान को नुकसान होगा, जिससे संविधान को नुकसान होगा, जिससे जो जिस विचारधारा से संविधान लिखा गया है उसको उसका नुकसान होगा। मगर हमने देखा कि पिछले, अभी मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, कि पिछले बार संविधान जलाया गया। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 70 वर्ष आप लोग कहते हैं कांग्रेस ने राज किया, हां किया। आप लोगों को कांग्रेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ थी वो क्या थी? मुसलमान थे। बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, उनका वोट बैंक क्या है? वो दलित थे। और कहीं ना कहीं से एक विचारधारा जिसमें जब इसमें खिंड पड़ेगी तो कांग्रेस कमजोर होगी, और यही हुआ। बहुत सारे ताकतें जिन्हें लगा कि नहीं विचारधारा, हम लोग भी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आए। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब जब ऐसी आवाज उठी है आंबेडकरी जनता ने उसको साथ दिया है। आप देख लीजिए कितने एग्जाम्पल है यहां पर। बीएसपी यहां पर आई, लोगों ने प्रोत्साहित किया, सपोर्ट दिया, कांग्रेस का मत टूटा, फिर भी एक विचारधारा अच्छी बन रही थी। मगर समाजकारण और राजकारण में बहुत अंतर होता है। समाजकारण में हम खुद तो नेता बनते हैं और दो को और नेता बनाना चाहते हैं, और राजकारण में हम सिर्फ नेता बनाना चाहते हैं और सब लोगों को कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव राजकारण में आया हुआ है, जहां आज शक्ति क्या हो गई है, पैसा। आज एक गरीब आदमी इलेक्शन लड़ने का सोच नहीं सकता, क्योंकि एक छोटी अगर आप सभा करें तो 2 लाख रुपए का खर्चा। मैं तो वहां से गुजर चुका हूं इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, तो कहां से आएगा ऐसा धन? इसीलिए इस विचारधारा में एक मिनट कवर कर दो। इस विचारधारा को जो धर्मनिरपेक्ष है उसको बचाना हमारा पहला काम है। तो हम, हमारे एक भाई है जिन्होंने कहा कि साथ में आना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक साथ आए और संविधान बचाएं, इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, ठीक। और एक ही, हाँ, एक मिनट, वो आता हूं सर, आता हूं। मैडम मैडम मैडम, आई थिंक यू आर डिस्टर्बिंग, यू हैव रेज्ड अ पॉइंट, आई विल आंसर योर पॉइंट, बट यू आर नॉट रेडी टू लिसन। ओके, वन मोमेंट, सो 2 मिनट मी एकच सांगेन।
70 वर्ष काँग्रेस ने राज्य केलं, कधीही संविधानावर हमला झाला नाही। 70 वर्ष, एक मिनट, 70 वर्ष राज्य केलं, कधीही आरक्षण वर हमला झाला नाही। आणि मला असं वाटतं बाबासाहेबांनी यांनी सांगितलं सत्ता म्हणजे फक्त शक्ती प्राप्त करणं नाही आहे, तर तो परिवर्तनाचा एक टूल आहे। सिमिलरली आरक्षण जे आहे ते सुद्धा परिवर्तनाचा एक अवजार आहे, फक्त अर्थव्यवस्था ठीक करण्याकरता तो नाही आहे, हे मी तुम्हाला आवर्जून सांगू इच्छितो। मग काय परिस्थिती आहे आज, काय परिस्थिती आहे आरक्षणाची? आज आरक्षणामध्ये कोण घेतो आहे, फायदा कोण घेतो आहे? आपल्यासारखे बसलेले लोक, माझ्यासारखे लोक आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत। छोडिये आप आरक्षण, बोलिये स्वाभिमान से कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, छोड़ते हैं क्या? नहीं, आरक्षण आज देखिए आईएएस के लोग, एक मिनट मैडम, आईएएस के बच्चे ही आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस के बच्चे ही आईपीएस बन रहे हैं, क्लास निर्माण हो गया है साहब हमारे, इसमें बच्चे आईपीएस वाले ही आईपीएस से शादी कर रहे हैं, आईएएस वाले ही आईएएस से शादी। तो आज जो एक गरीब आदमी है, जो इस पिछड़ा हुआ वंचित समाज है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण पर क्यों नहीं चर्चा होती है कि आरक्षण परिवर्तन का एक टूल है, उसके वजह से आप और हम यहाँ खड़े हैं। मैंने आईआईटी से शिक्षा प्राप्त की है, मगर मुझे अभिमान है आज भी मुझ पर कि उसके बाद न मैंने मेरे बच्चों के लिए आरक्षण लिया और न ही कभी लूंगा। क्यों? आरक्षण क्या है? जो चल नहीं सकते उनके लिए कुबड़े हैं, और अगर मैं चल भी सकता हूं, दौड़ भी सकता हूं, फिर भी अगर वो कुबड़ियां लेकर चल रहा हूं तो वो स्वाभिमान नहीं है, ये आप लोगों से कहना चाहूंगा। इसीलिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं कि आरक्षण का फायदा आखिरी आदमी तक पहुंचे, जो गरीब है उसमें। हमने एक प्रस्ताव रखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लीडरशिप की बहुत बात हुई है। क्या लीडरशिप? आप कहते हैं कि कांग्रेस में नहीं है दलित की। आज मल्लिकार्जुन खड़गे आज हमारे विरोधी पक्ष नेता हैं, आज के राजू जी जो आज राहुल गांधी जी के ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी करके काम कर रहे हैं, मुकुल जी वासनिक जो आज सर चिटनिस है, एक बोलता हूं आता मी ए बगा एक एक हा मुद्दा देखो हा मुद्दा मला है बगा खैरलांजी सा मुद्दा मी का मी तुम्हाला एक सांगतो तो सर एक मिनट खैरलांजी बरोबर खैरलांजी और बोलतो देखो बगा खैरलांजी वर क्योंकि नहीं 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 दस नहीं पूछेंगे खैर खैर नहीं नहीं बस 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 नहीं बरोबर मैं क्या बोल रहा हूँ खैर लांजी अभी देखो सर इनका एक सवाल है मैं ये सबसे ज्यादा मुद्दा है एक मिनट के लिए इसका रिप्लाई दो कि कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि नागपुर में ऐसे आदमी को उन्होंने कैंडिडेट दिया जो खैर लांजी के वक्त वो आरोपियों के साथ में खड़ा था वो छावा संगठन वाली जो लेडीज है शालिनी पाटिल जी वो आकर उनसे मिला और उसके बाद में वो जेल में आरोपियों से गया कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया जो भूत मांगे से परिवार को खत्म किया मैं आपकी मदद करूंगी और ये यहाँ के जो कैंडिडेट है वो उनके तब साथ थे इसलिए सारे समाज से महिला पुरुषों से कोई आपसे किसी से दुश्मनी नहीं उनकी ये लोग तो कांग्रेस को पालने वाले हैं यार 40 साल बाबा साहब के लोग हैं exactly. ये तो पालने वाले लोग हैं अभी तक कांग्रेस वाले को आने नहीं दिया सर मैंने आपसे इतना गलत व्यवहार नहीं सर मैंने इस बात का उत्तर सर मैंने स्टेटमेंट दिया कि दलित और मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक था विश्वास था उनको इसलिए वोट बैंक आपको किसी ने मजबूर नहीं किया हुआ है आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं आप खैर लांजी सर देखिए मुद्दा कैसा है खैर लांजी यहां हुआ कहीं भी मैंने पहले सेंटेंस में कहा अन्याय करना और अन्याय सहना बाबा साहब ने सिखाया नहीं कहीं भी अगर अन्याय होता इन्होंने कहा उनको शिक्षा क्यों नहीं हुई बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है बाबा साहब ने संविधान के तहत क्यों ये कानून बनाया कि भाई देखिए 100 अपराधी छूट जाएं पर एक गुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए है ना इसीलिए हमारा इतना लंबा प्रोसेस है जिसने भी गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए मैं मानता हूं एक मिनट आप जज नहीं बनेंगे मैडम यू आर नॉट अ जज देर इज अ सिस्टम इन प्लेस विच इज अ लीगल थिंग देखिए मैं एक बोल रहा हूं कि सुनिए जवाब फिर वही बात ठीक है मिश्रम साहब मुझे लगता है मैंने जवाब दे दिया है जितना भी एक लीगल हाँ मैं क्या बोलता हूँ ये चर्चा को हम
अभी सेवड़े साहब के तरफ ट्रांसफर करते हैं। देखिए उनके पास में जवाब नहीं है कि वो नाना पटोले जी ने जो खैरलांजी के वक्त में किया उनके पास में जवाब नहीं है या जो भी है, लेकिन फिर भी अपने भाई है आए यहाँ पर, उन्होंने अपने पार्टी के विचार रखे, ठीक है, उनको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और मैं सेवड़े साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बीएसपी पर भी कुछ प्रश्न उठे हैं, बराबर है, इसलिए आप भी अपना थोड़ा सा उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम रवि भाऊ के तरफ आकर फिर ये चर्चा का हम समाप्त करेंगे, बराबर है। कुछ इन्हें गिने प्रश्नों पर, देखो सारे प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो सकती, मैं उत्तम सेवड़े जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक से जो भी उनके तरफ कुछ रिस्पांस आए हैं उन्होंने उसका रिस्पांस देना चाहिए, हम ड्यूटी बनते हैं। इस मंच से दो बातें जो हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर को गलत कोट करने का काम कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने थोड़ा सा सुधारने का काम किया, तब भी उसमें कुछ और सुधार बाकी है। कांग्रेस को मैं देशद्रोही मानता हूँ, वो इसलिए कि भारत और पाकिस्तान ये जो दो देश करने का पाप कांग्रेस का है, गांधी का है। और बाबा साहब का थर्ड सन पाकिस्तान अगर पढ़ लो तो पता चलेगा। और कांग्रेस की सारा षड्यंत्र जो बदमाशी है वो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, ये मेश्राम साहब ने थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ताकि वो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। अब रही बात इधर बीजेपी वाले जो साथी है, उन्होंने कहे कि इस देश में जो भी नेशनल पार्टियाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं उसका सारा शीर्ष नेतृत्व, ये सही बात है कि ब्राह्मीन्स है, हायर कास्ट है, सवर्ण है, 6-7 पार्टियाँ है जिसमें पहले नंबर की बीजेपी है, कांग्रेस है, उधर कम्युनिस्टों के दोनों गट है, फिर तृणमूल वगैरह इन्होंने बताए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि देश में पहले नंबर की पार्टी अगर बीजेपी है, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, तो तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है। मैं नहीं कहता, इलेक्शन कमीशन होटो के आधार पे ये पार्टी को मान्यता देती है, सिंबल के आधार पे सिंबल भी मिलता है और उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। अब रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, 60 साल कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश किया, मैं नहीं कहता, लोग कहते, और इसीलिए लोगों ने 60 साल जो कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया तो उनको लगा को चलो दूसरों को मौका देते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे को मौका दिया 10 साल, बीच में 5 साल के लिए अटल जी आए और ये मोदी जी और 5 साल के लिए आए 10 साल, तो इन्होंने महासत्यानाश किया। पहले इन्होंने मतलब कांग्रेस ने सत्यानाश किया, उन्होंने महासत्यानाश किया। बीजेपी कांग्रेस ने पहले वो विमान में क्या बोफोर्स में तोपों में दलाली की, देशद्रोही लोगों का कहना मैं बताऊंगा, तोपों में दलाली की, इन्होंने राफेल में दलाली की, ये तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है। और इनके ये बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, हम नहीं कहते, आजकल देखो आधे बीजेपी वालों के फैमिली के लोग कांग्रेस में है, कांग्रेस वाले के लोग बीजेपी में है, ये साठगांठ इनका अंदरूनी मिली भगत है। और रही बात इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की, धर्मनिरपेक्षता की जो बात की ना, तो गंगा में डुबकी लगाने का काम किया, ये धर्मनिरपेक्षता है। जानवर बताने का काम कांग्रेस वालों ने किया, ये धर्मनिरपेक्षता है। सर मुझे बताइए, आप बहुत एक गलत बात कर रहे हैं, एक मिनट आप रुकिए, गंगा में आप शांत रहिए, मैं बुद्ध विहार जाता हूँ, कोई गंगा में नहाएगा वो उसकी आस्था है, बुद्ध विहार में जाने की मेरी आस्था है, इसीलिए किसी के आस्था पर प्रश्न न उठा। बात करते ना तो आप इन्होंने एक आरक्षण की भी बात की और आरक्षण छोड़ने की बात की। बाबा साहब ने जो आरक्षण जिस लेवल पे दिया है, हो सकता है इन्होंने कांग्रेस के पीछे पीछे रह के ये सदन हुए होंगे, ये मान लेता हूँ, क्योंकि मध्यस्थी जो करते हैं ना, अब उसको सामान्य लोग क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, दलाल। सर तो मैं कांग्रेस की दलाली करने वाले जो समाज के सर, लोग मैं आपको बताना चाहूंगा, पहचान चुके हैं, एक इल्जाम लगाया है, अभी कल मैं बहन जी गई है या नागपुर में, मैं कांग्रेस में नहीं था, साहब ने अभी शांत रहना चाहिए,
क्योंकि आपको पहले मौका मिला। आप मुझे नहीं दलाल नहीं कह सकते। नहीं नहीं सर, आप दलाल नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं इस पर बच जाओ। मेश्राम साहब आप वो बोल रहे थे नहीं नहीं सर, आपने और समय मांगा, हम लोग आपके पास समय था। आप अपना कंक्लूजन आ जाइए। सर नो नो पर्सनल अटैक्स प्लीज, पर्सनल अटैक नो पर्सनल अटैक, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं कांग्रेस में था या नहीं था। शाह अंबेडकर बहुजन समाज पार्टी है, फुले शाहू अंबेडकर विचारों पे चलती है, कांग्रेस ये गांधी के विचारों पे चलती है, और बीजेपी ये मनु गोडवलकर के विचारों पे चलती है। जिनको जय मनु बोलना है वो कमल का बटन दबाए, जिनको जय गांधी बोलना है पंजा का बटन दबाए, जिनको फुले शाहू अंबेडकर जय भीम कहना है वो हाथी की बटन दबाए, ये मैं कहूंगा। क्योंकि नेशनल लेवल पे फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा की एक में नेशनल पार्टी है। और कल परसों कली जो बहन जी ने इस मंच पे ये कस्तूरचंद पार्क से एक बात कही, इन्होंने कांग्रेस ने 60 साल भिकार चोर बनाए देश को, भिकारी रखा, बेरोज, इन्होंने क्या किया कि वो गरीबी हटाओ, बिचारी हट गई लेकिन गरीबी नहीं हटी। कल परसों इन्होंने जुमलेबाजों ने फेंकू, जिसको फेंकू कहते हैं लोग, वो फेंकू आदमी को अभी फेंकने वाले लोग, इन्होंने ये सारा देश को बेवकूफ बनाने का काम किया। और अभी थोड़े दिन बचे, 11 तारीख महात्मा फुले जी का जन्मदिन है। जिस महात्मा फुले का जन्मदिन है, शेठ जी, भट्ट जी, लाट जी की पार्टियां बीजेपी कांग्रेस को अभी लोग उखाड़ के फेंकेंगी। बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये समाज इकट्ठा आया है, और उनका विचार, उनका संगठन, उनका आदर्श फुले शाहू अम्बेडकर है। और ये उनको 11 तारीख को फुले जी के जन्मदिन के उपलक्ष में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इतना ही मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने कुछ कहा नहीं, सर मैं आप पड़ेगा, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा ना। धर्मा मिश्रा विनती है, मैं आपको क्या प्रोग्राम आप इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद भी कीजिएगा। इन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किए हैं, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, जरूर जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेश्राम साहब, पूरन मेश्राम साहब ने जो चर्चा की, ये भी बीजेपी वाले हैं, इनको भी चर्चा की। आप हर एक बात पर ऐसा कमेंट करोगे, आपको बोलने के लिए हमने मौका दिया, आपने खैरलाल जी का उत्तर नहीं दिया, फिर भी लोग शांत बैठे, क्योंकि आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। नाना पटोले से वो जो निभाना है वो निभा लेंगे, वो भी समझ सकते हैं कि आपकी मजबूरी है। लेकिन शेवड़े जी, और शेवड़ी जी जब बोल रहे थे तो आपने कमेंट नहीं करना था, किसी किसी की भाषा होती है। मेरे हम लोग इस मंच को बड़ा संभाल के रखा भाऊ, तो मैंने क्या सोचा कि अब ये जो मैंने चर्चा जहाँ से शुरुआत की थी भाऊ, मेरा काम नहीं हो रहा है, चर्चा अच्छी हुई। मेरा काम क्या था कि ये सारे लोग ये फिर से अंतर्मन से सोचेंगे, है ना। बहुत सुंदर मुद्दों को अभी बात उठी, मुद्दों पर चर्चा नहीं होती हमारे समाज में, मुद्दों पे चर्चा नहीं। इलेक्शन सिर्फ एक एमएलसी के लड़ा गया, एक इसके लिए गया। मैं नागपुर के तमाम मुद्दों को बता रहा हूँ कि सारे विदर्भ के बच्चे तुम्हारे विहारों में पढ़े, सारे विदर्भ के बच्चे तुम्हारे विहारों में, वो माँ गांव में काम कर रही है, और नागपुर के विहारों में सभी बच्चे पढ़े, हॉस्टल में पढ़े, एमपीएससी की डिग्री लेना चाहते हैं वो, कोई स्पर्धा परीक्षा में, ऐसे पूरे विहारों में घूमो। मेरे भी ध्यान में, क्योंकि मैं भी कार्य करता हूँ, कभी उनके आंसू, वो माँ ये सोचती है कि बेटा गया है ना तो एमपीएससी की कोई परीक्षा पास कर लेगा, उधर से आएगा, ये मेरे मन में एक मेश्राम साहब ने ये डाल दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उधर से आएगा। माँ ने मेहनत कर करके, कमाई कर करके उसको नागपुर में पाला, कहीं दिल्ली में पाला, कहीं पुणे में पाला, स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एग्जाम हो रही है, कॉल उधर से आ ही नहीं रहे। उसमें मेश्राम साहब का कहना है कि बेटा आरक्षण मत मांगो, शेवड़ी जी साहब बोलेंगे कि मैं सत्ता ही दे देता हूँ, काय को लेकर पार्टी मिनिस्टर बन, काय के लिए नौकरी मांग रहा है, सत्ता ही ले ले पूरी तू, बराबर है। तो ऐसे भी विचार ये सभी जगह पर होते हैं। ऐसे स्थिति में आपको नागपुर में ये पता चला होगा, मुझे भी पता है कि ये नागपुर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए उस जमाने में गडकरी साहब का भी बड़ा आंदोलन था, नहीं क्या मिहान में है ना, वगैरह वगैरह है कि नहीं, सड़क तो मिली तुमको। मैं रवि भाव को लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, है कि नहीं, सीमेंट के सड़कें खा लेना कल से पुलिया उलिया तोड़ के तो ये चर्चा होती है। मुझे किसी के खिलाफ इस तरह से ये नहीं है, आपस में हमने चर्चा की और मुझे लगता है कि चारों वक्ताओं ने अच्छा ये किया। मैं रवि भाव को ये बात पूछना चाहता था कि ये फुले शाहू अंबेडकर का ये जो नागपुर में आंदोलन है, तुम्हारे साथ कई ओबीसी जुड़े, बूढ़े होने तक ओबीसी जुड़े, तुम्हारे साथ कभी कभी ब्राह्मण भी थे, राजा भाव खोबरागढ़े के साथ में ब्राह्मण लोगों ने दो पत्ती पर निर्णय लिया था, कभी तुम्हारे साथ ब्राह्मण भी थे, ये ध्यान में रखना, ऐसा मत सोचो। इस शहर का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, कभी ये सब लोग थे, ये सारा अंबेडकरवादी समाज
सिर्फ बुद्ध लोगों ही नहीं, आंबेडकरवादी बहुत लोगों को ये संदेश है, इस शहर में रहते हैं, उसको कैसे आप आगे बढ़ाओगे? और इस चुनाव में आप इस बात के लिए रवि भाऊ आप कैसे इन लोगों को संगठित करोगे? मुझे लगा वंचित आगाड़ी वाले बहुत लोग आपके यहाँ ज्यादा थे, बराबर है, बड़े ताव में भी थे कि बिल्कुल करेंगे। तो मेरा काम था कि ये बौद्ध लोगों में चर्चा करवा कर, नहीं जमेगा, मुझे मालूम है सब लोग गटों में रहेंगे, लेकिन आम आदमी को कैसे संगठित कर पाओगे, बराबर है? और ये 2019 के लोकसभा चुनाव में एक क्या संदेश हम हमारे समाज को देना चाहते हैं रवि भाऊ शेंडे? कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ गोड़वलकर की विचारधारा, दूसरी तरफ गांधी विचारधारा, हम श्री फुले शाह आंबेडकरी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। बहुत आंदोलन हो गए, उसमें हमारा सक्रिय सहभाग रहा, अभी वो नाम गिनाने की जरूरत नहीं। महाबोधि महागया से लेकर एट्रोसिटी से लेकर जो जो अभी ये स्मारक नहीं बना, 27 साल हो रहे मेरे ख्याल से आंबेडकर स्मारक जन्म शताब्दी, कुछ मिलता ही नहीं है, आंदोलन किए बगैर कुछ नहीं मिला। हमारे जो बाबा साहब आंबेडकर के सिवा हमारा कुछ नहीं, खाते चलते बोलते फिरते सांस लेते सिर्फ बाबा साहब की, उनको भी पानी के लिए महाड़ के चौदार तड़ा का सत्याग्रह करना पड़ा, या काला राम मंदिर में आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन किए सिवाय कुछ नहीं मिला। संविधान लिखने के बावजूद ओबीसी को 30 से 40 साल राह देखनी पड़ी इसी कांग्रेस के जमाने में। ये क्या बताते, दलितों के हितैषी है और मुस्लिमों के हितैषी है? आज बीजेपी को कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस देश में बहुजनों ने समझ लिया है, और इस देश में ना कांग्रेस की सत्ता आएगी ना बीजेपी की सत्ता आएगी, इस देश में सत्ता आएगी बहुजनों की और फुले शाह आंबेडकरी विचारधारा की सत्ता आएगी। ऐसी तैयारी देश में चल रही है, ये सब जगह से हारेंगे, यूपी से हारेंगे, तेलंगाना से हारेंगे। अब इस हुआ यह है कि ये जो माहौल था, इस 5.5 लाख जो नागपुर में रहते हैं वो इलेक्शन के वक्त कहाँ जाते हैं, वो अपनी ताकत वो शक्ति क्यों नहीं बताते, इतने साल में क्यों नहीं हम चुन के आए? और चुनाव कुछ लोगों ने कहा कि आमदार और खासदार बनना ही ये हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। और किसी भी हमारा नेता भी कोई ऐसा नेता नहीं है, दूरदृष्टि रखने वाला नेता है, वो भी सिर्फ सत्ता और खासदार आमदार की बनाने के लिए अपना राजकारण नहीं कर रहे हैं, वो भी दूरदृष्टि रखकर एक एजेंडा रखकर एक फिलॉसफी रखकर इस राजनीति की तरफ आगे जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और इसको कैसा बढ़ाना चाहिए, सिर्फ चर्चा इस पर नहीं होना चाहिए, हम अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुए, हमने ये भी सोचना चाहिए हम सक्सेस क्यों नहीं हुए तो सक्सेस कैसे होने चाहिए, हमको उसका तोड़गा भी चाहिए ना, उसके ऊपर कुछ मंथन भी होना चाहिए ना। तो हमने आज ठान लिया भैया जी, कैसे, एक लड़के का सवाल था कि हमारे पास एक भी बूथ कमेटी नहीं है, हम इस लोकसभा में कैसे जीत के आएंगे? हर आदमी जो चुनाव में खड़ा होता है वो सोचता ही है उम्मीदवार कि मैं जीत के आऊंगा, लेकिन वो जीत के आएगा या नहीं आएगा ये इलेक्शन होने के बाद वो पता चल जाता है कि वो आता ही नहीं है। उसी प्रकार हम भी नागपुर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हमको सत्ता की भीख नहीं चाहिए कि एक आधा आदमी चला जाता है, अरे मले आमदार बनून दिया मैं तुमच्या कांग्रेस सोबत, एक आधा बैताड़ आदमी चला जाता है मले एक आधा खासदार की देऊन दिया मैं एक आधा मंत्री पद देऊन दिया मैं बीजेपी सोबत, इस प्रकार की सत्ता नहीं चाहिए हमको, सत्ता चाहिए स्वाभिमान की, हमको सत्ता चाहिए आत्मसम्मान की, और वो हम छीन के लेंगे, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने सिखाया है। और मजदूर पक्ष और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के हिसाब से उन्होंने करके भी बताया है। दूसरा, इन्होंने कहा था हमारे पास बूथ कमेटी नहीं है, वो कल मेरे कार्यालय में आप आए, कैडर भी नहीं है बोले आपके पास, तो कैडर क्या है मैं ये नहीं जानता,
कैडर क्या चीज है, उसमें क्या फैलाया जाता है, दिमाग में क्या डाला जा। मैं बीएसपी के स्टेज पे पहले भाषण दिया हूँ, भैया जी को मालूम है मैं समर्थक था, लेकिन वो पास्ट हो गया। मैं प्रेजेंट की बात करूँगा, वो पास्ट हो गया। तो कैडर क्या हो गया होता है मुझे, मैं अपने लोगों में बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, कैडर तुमको अकेला अकोला में जाओ, वाशिम बुल्ढाना में जाओ, यवतमाड़ में जाओ, वहाँ तुमको कैडर दिख जाएगा। हम नागपुर में नहीं हैं, हम कैडर भी पैदा करेंगे और बूथ कमेटी भी पैदा करेंगे। कई सारी बूथ कमेटियाँ हमारे पास में हैं, और चुनाव जीतने के बाद कैसे जीतना चाहिए वो आने वाला जो इलेक्शन है, हम क्या करने जा रहे हैं और क्या परिवर्तन होगा, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। दूसरा आओ भैया, बीच में मैं बोलने के पहले मुझे जवाब देना है। दूसरा, प्रवीण भाऊ, उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैं मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिवादी बुद्धिमत्तावादी नहीं हूँ, 12वीं नापास हूँ मैं। उन्होंने सवाल किया था कि बाप रिपब्लिकन नहीं क्या, ये कहाँ से आ गया बहुजन? तो इसमें बाबा साहब का यानी ये करने का मेरा कोई हेतु नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में पहले स्वतंत्र मजदूर पक्ष हुआ, उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हुआ, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की उन्होंने नींव रखी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट वो कर नहीं सके, उसके पहले ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया। आज कुछ हम लोग जब रिपब्लिकन चिल्लाते हैं, हमने यहाँ देखा है कि इस रिपब्लिकन पार्टी, इसके 56 टुकड़े 56 डिवाइडेशन हो चुका था, गली गली में रिपब्लिकन पक्ष, गांव गांव में रिपब्लिकन पक्ष, तालुका जिला जिला में रिपब्लिकन पक्ष। तो सारे लोग चक्कर में आ गए थे कि ये रिपब्लिकन जो बाबा साहब ने इसकी नींव रखी थी, और यहाँ पे रिपब्लिकन नाम से रिपब्लिकन की चादर ओढ़ के दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए इस रिपब्लिकन में, तो इसका तोड़ भी हमको निकालना था, इसके लिए हमको कुछ नया नाम देना था, नहीं तो ये रिपब्लिकन के दलाली करने वाले लोग ए बी सी डी ई एफ तो जेड तक सारे रिपब्लिकन पक्ष तैयार हो गए थे, तो कैसा हम ये रिपब्लिकन में चलते थे। तो ये नाम की कोई बात नहीं है, नाम ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, खाली अभी समय आ गया है कि हमको सत्ता परिवर्तन, वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से बहुजनों की सरकार कैसी आनी चाहिए, इस पे काम इस महाराष्ट्र में होने जा रहा है। तो महाराष्ट्र में आप अगर आप जानते हैं, आप नेट इंटरनेट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, तो आप समझते होंगे आपके मीडिया के लोग, चाहे एबीपी माजा रहो, TV9 रहो, या आपके सारे जितने भी मीडिया आप देखते होंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी की बात होती है, सारे कांग्रेस वाले लोग बाड़ा साहब अम्बेडकर के पास चले गए थे, ये नाना पटोले इन्होंने तो जाहिर कर दिया था कि वंचित बहुजन आघाड़ी का मेरे को समर्थन है, हमको उसके खंडन करना पड़ा। रही खैरलाल जी की बात, आपको बताता हूँ, भैया जी को मालूम है, खैरलाल जी का जब ये प्रकरण हुआ था, तब यहाँ पर बोतमा के साथ, तब मेरे हमारे साथ रहते थे, तो यहाँ पर ये विधानसभा चालू थी, इसी विधानसभा में शालिनी पाटिल, जो वसंत दादा पाटिल कांग्रेस के इनके बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी वो पत्नी है, और वो यहाँ आई, यहाँ आके नितिन राउत साहब से उसने चर्चा की, उस वक्त की पेपर कटिंग आज भी मेरे पास है। वो नागपुर के सेंट्रल जेल में गई, उन्होंने वो खैरलांजे के आरोपी से मुलाकात की, और ये जाहिर भी किया कि ये आरोपी निर्दोष है, खैरलांजी की जो महिलाएं थी भूतमांगे परिवार की, वो चारित्रहीन थी, और वो छावा संगठन के वो शालिनी पाटिल और ये नाना पटोले उस वक़्त ये सारे आरोपियों के समर्थन में खड़े थे। अगर किसी को झूठ लगता होगा, छावा संगठन और शालिनी पाटिल और उनके साथी ये पटोले भी थे, इन्होंने ये काम नहीं किया तो कल मैंने उनके खिलाफ सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, और उसके चार दिन बाद मैंने अखिल भारतीय दम्म सेना के बैनर पे उसके खिलाफ मोर्चा भी निकाला है। तो ऐसे ये नाना पटोले, इनको कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी, और लास्ट में आप एक संदेश देंगे कि आप अभी कैसा आगे करने वाले आगे का, हमको जो आज तक नहीं हुआ,
हमको करके बताना है, प्रयत्न करना जरूरी है। कल तक भाजपा के या सिर्फ दो खासदार हुआ करते थे, आज वो 280 तक पहुंच गए। तो इसके लिए हार नहीं मानने का, हम हार नहीं मानेंगे। और आज जो महाराष्ट्र में जो आप देख रहे चित्र, जो आज तमाम मुस्लिम धनगर माड़ी छोटा छोटा ओबीसी भटका विमुख बंजारा ये सारे के सारे, और इस देश में बहुत एक बड़ा चर्चित नाम है जिसका नाम है सैयद असाउद्दीन ओवैसी साहब, जो संविधान के बड़े जानकार है, खासदार है, तीन बार चुन के आए हैं, उनकी भी सत्ता है तेलंगाना में राव के साथ। कल तक हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों को लोगों के लिए एक मेरा जवाब है कि आप ये पहला राज्य इस देश में कि वह देखा जाएगा तो उन्होंने बीजेपी को इस तरह रोका है कि खाली बीजेपी का एक आमदार चुन के आया वहाँ पे, सिर्फ एक आमदार उस तेलंगाना में। ये अपने मुँह को पट्टा बांध लो कि ओवैसी और अम्बेडकर साहब ये कोई बीजेपी के बी टीम नहीं है, ये बीजेपी के पक्के विरोधी है, ये आप समझ लेना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भाव। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ये सारे लोगों की मोट आज बांध चुके हैं, सारे वंचितों की, पडलकर से लेके सारे लोग, सारे बहुजन समाज के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे लड़ाई है जो इनको हमको जवाब देना है कि आज हम पीछे रहा हुआ 5.5 लाख बौद्ध। मैं निवेदन करता, विनंती करता सब लोगों से कि ये इन लोगों ने अभी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने सोच समझ के अगर बाड़ा साहब अम्बेडकर इन सब को लेके जब सारे लोग सारा समाज बाड़ा साहब अम्बेडकर के पीछे खड़ा हो सकता है तो यहाँ का बौद्ध क्यों पीछे रहना चाहिए। उन्होंने भी बाड़ा साहब अम्बेडकर के साथ खुले दिल से खुले इससे आकर इस महाराष्ट्र में एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करना चाहिए। इतना ही बोलता हूँ, यही रुकता हूँ। जय भीम। ये चर्चा हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे, बराबर। नहीं नहीं नहीं, आघाड़ी का बहुजन आघाड़ी का विजय तो थामने यार थोड़ा सा, ये लड़के नारे बजाएंगे ना तो तब इनके तरफ लास्ट में ये कर देना, वो बात नहीं है। अपनी थोड़ा सा है क्या, नहीं ये धर्मपाल छोटा आदमी है, बीच में झगड़ के अपने से समय ले लिया। एक मिनट बराबर, मेजराम साहब मैंने बोला था कि एक मिनट में अपनी बात रखूंगा ही। आपको एक मिनट चाहिए, मैं देना चाहता हूँ, और मेजराम साहब आप इस चर्चा को एंड करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको हमने ये तो चला इनका जो भी है, वंचित आघाड़ी के रवि भाऊ ने बात रखी, अपने बीएसपी के उत्तम शेवड़े जी ने रखी, कांग्रेस की कुछ भी हो लेकिन अच्छे अच्छे बल्ज के साथ में उन्होंने संजय मिश्राम ने नहीं 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 हो गया खत्म। अगर देना है तो फिर सबको एक एक मिनट देना पड़ेगा, नहीं नहीं, तो बन। नहीं सबको नहीं, एक मैं एक ये नहीं बोल रहा हूँ, मिश्राम साहब को मुझे लास्ट में समय देना था। ये ठीक है, हाँ नहीं, वो मेश्राम नहीं, अरे तो वो एक मिनट कांग्रेस के जो लोग है यार, इतने साल आपने झूठ बोलने में इतने माहिर है। अच्छा बोलो यार, स्वतंत्रता के बाद सबको बरगलाने का काम कांग्रेस वालों ने किया, कांग्रेस की निर्मिति कैसी हुई और देश की फाड़नी कैसी हुई भाई? अगर देश की फाड़नी सिर्फ इस तत्व पर हुई, या हिंदू या मुसलमान, जो मुसलमानों का नेतृत्व करती थी मुस्लिम लीग, उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया तो पाकिस्तान दे दिया। अब हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए कौन था? तो कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस ने हिंदू हितों के लिए काम किया इसलिए वो सत्ता में रही, लेकिन समय के साथ में लोगों ने समझा, दलितों ने और मुस्लिमों ने, कि कांग्रेस ने दलितों और मुस्लिमों के हितों के ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली। और आज बात करते हैं कि हमने मुसलमानों की बात रखे, हमने दलितों का हित रखे, ये सब के सब लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को इसी प्रकार का बरगलाते हैं। स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी अगर मुस्लिमों की स्थिति ऐसी है, दलितों की स्थिति ऐसी है, तो ये जो लोग बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। और आज फिर बात करें आरक्षण की, आरक्षण की जरूरत इन्हें नहीं होगी, पर आरक्षण की जरूरत उन सब लोगों को है, मेरी माँ और मेरा बाप, जिनके दांत पर मांस नहीं है, जिनको दो समय खाने का नहीं है, जिनको निवारा नहीं है, जिनके कपड़े ठीक नहीं है, क्या उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? अगर ये छोड़ते हैं तो खुशहाल छोड़ दे, लेकिन आरक्षण के साथ ये कम से कम लोगों को ये सलाह न दे कि मैंने आरक्षण और सबने आरक्षण छोड़ना चाहिए। एक मिनट मैं क्लैरिफाई मैडम एक ही करूंगा, मैं नहीं देखिए भैया जी मेरा एक क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, आपने भी गलत समझा, मैंने आरक्षण बंद करने की बात नहीं की है, मैंने कहा जो आदमी सक्षम बन जाए वैचारिक दृष्टिया आर्थिक दृष्टिया सामाजिक दृष्टिया उसने छोड़ देना चाहिए, ताकि एक मिनट रखिए, थामा था, तुम्हें थामा था,
ब्राह्मणी नीति आहे हे बघा ज्या लोकांना आरक्षण मिळायला पाहिजे ज्यांना चालता येत नाही आरक्षण रहना चाहिए आरक्षण का फायदा उस छोटे आदमी तक पहुंचना चाहिए इसी विचार आरक्षण को खत्म करने की दिशा में ले जा रहा है ऊपर की जो लेयर है जो क्रीमी लेयर है उन्होंने स्वाभिमान से छोड़ना चाहिए ताकि आरक्षण का फायदा आखिरी आदमी ठीक है इस विषय पे अपन क्या बोलना है शिवड़े जी आपको इस विषय में ये इन्होंने जो बात की ना एक मिनट बोल दे बोलो आरक्षण का ये पॉइंट जो है बहुत सीरियस है तो सही बात है ठीक है आरक्षण का अगर सबसे ज्यादा पहले अगर बट्टा बोर्ड किसी ने किया तो कांग्रेस उसमें जिसको खाजगीकरण जो किया ना तो जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खाजगी में चले गए वैसे व्यापार जैसा धंधे शुरू किए तो कांग्रेस उसमें और जिसको शिक्षा सम्राट नहीं बोलेंगे शिक्षा माफिया जो बन गए कांग्रेस वाले उसमें इन्वॉल्व है और सारा रिजर्वेशन रोक दिया ठीक है आरक्षण पे आपका क्या धोरण है रवि भाई मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आरक्षण का बट्टा बोर्ड कांग्रेस ने किया पहले ओबीसी को 35 साल लगा दिया आरक्षण देने को और खाजगीकरण भी सबसे पहले कांग्रेस ने किया सारे शिक्षण संस्थाओं का खाजगीकरण कांग्रेस ने किया और अभी बीजेपी 13 पॉइंट रोस्टर वो लाके आरक्षण का विरोध कर रहे और अभी हलवा जो समाज है उसको टर्मिनेट करके उनको खोटे आदिवासी करके ये भी आरक्षण का बट्टा बोर्ड कर रहे तो ये दोनों पार्टियां आरक्षण विरोधी 13 पॉइंट रोस्टर में संविधान संशोधन हुआ है अभी ये चर्चा बढ़ेगी बीजेपी कांग्रेस का बाप है नहीं नहीं संविधान ये झालेला आहे संशोधन 13 पॉइंट मध्ये 10% संविधान अभी राज्यसभा आरक्षणाचा विषय एक लक्षात घ्या राज्यसभा में ये चर्चा चल रही थी एक बहुजन समाज पार्टी के सिद्धार्थ कोई राज्यसभा में चर्चा हुई थी उन्होंने वो चर्चा की और प्रकाश जावड़ेकर ने उसका रिप्लाई दिया बाद में चुनाव डिक्लेयर हुए वो जो विद्यापीठ के जो आरक्षण में मैंने राज्यसभा में जो चर्चा सुनी ये मैं सोचता हूँ ये चर्चा और भी बढ़ सकती है फिर कभी अगर हम लोग ऐसा रहेंगे क्योंकि हमारे लोग चर्चा कर सकते हैं ये मुझे अभी पता चला थोड़े से उठते हैं है ना उठते हैं अरे उठना चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे मन में प्रश्न ही नहीं होने चाहिए मैं नहीं नहीं भाव मैंने पहली बार देखा कि मेरा समाज चर्चा करता है नहीं तो ये सोचता ही नहीं है इनके दिमाग में मेंदू नहीं है इनके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं है नेता को MLC मिली समाज चुप नेता को कुछ भी मिला समाज चुप बिल्कुल कुछ नहीं नेता ने जो बोला वो चुप ऐसा मुझे लगा लेकिन मेरा समाज सोचता है मेरा समाज चर्चा करता है उनके मन में प्रश्न होते हैं ये जैसे TV के यहाँ पर भी पूछते हैं वैसे अपने पार्टी में अपने नेताओं से भी पूछोगे ऐसी अपेक्षा मैं TV की तरफ से करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि ये भारत में ये प्रक्रिया अगर शुरू की हम दूसरों को प्रश्न पूछते अपने नेताओं से भी जाके प्रश्न पूछना चाहिए और नागपुर का अभी ये बाले किले में जो मैंने पहले रखा था क्या कल हम लोग रवि भाऊ ने बड़े ताव से बताया शेवड़े जी ने अपने इससे बताया धर्म पाटिल जी अपने इससे बताया क्या बराबर है हाँ धर्म मेशराम जी ने बताया तो मैं ये सोच रहा हूँ सबकी चर्चा आपने सुनी मेरा बात का उत्तर है ने तो कल ऐसे ही हो हल्ला तो खूब हो जाएगा चर्चा तो खूब होंगी चर्चा करने के लिए अपने से ज्यादा महान आदमी कोई हो ही नहीं सकता लेकिन आखिर अगर हमारे शेवड़े साहब के पार्टी को 50 वोट नहीं मिले और रवि भाव की पार्टी अगर ये 5 लाख लोगों में अगर संदेश पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगी आज बौद्ध भिक्खु भावनों के बीजेपी के साथ है आज समता सैनिक दल वाले भारतीय बुद्ध महासभा वाले ऐसे अनेक ग्रुप है उनको सबको संगठित करने की आवश्यकता है ये ध्यान में रखना चाहिए हम सिर्फ अपने अपने गटों में अपने अपने दृष्टि के तरफ देखते हैं मैं अगर मुझे अगर विधानसभा तक काम करने का मौका मिला और मुझे अगर समय मिला तो मैं पूरे भारत में ऐसे चर्चा सत्र लगाकर लॉर्ड बुद्धा टीवी से उन लोगों को बुलाऊंगा वो भिक्खु कहाँ है वो समता सैनिक दल के लोग कहाँ है क्या वो आंबेडकरी फोर्सेस के साथ है मैंने कई बार भारत में भिक्खु को बीजेपी का प्रचार करते हुए ढूंढा है कई बौद्ध भिक्खु को कांग्रेस का प्रचार करते हुए भी ढूंढा है भिक्षु नहीं नकली असली को मैं किसी को ये नहीं बोलता बीच में तो मैं ये बोलता हूँ अभी सही है जी नहीं अभी ये चर्चा हम बंद करेंगे उनका अपना अधिकार है और मैं पूरन मेश्राम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं बोल सकते देखो ये बोलने का फिर आप अपने अपने लोगों को
कल कल हम लोग ये सोचते हाँ अपने लोग एक नहीं ला सके, ये हमारी हमने कई देखे हैं जुगनू रातों में चमकते हुए, आज हम तो खुले आसमान में तारे हैं। हमें सब मत बताइए अंधेरे में कौन क्या करता है, सब पता है, सबको पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ अबे नहीं 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 फिर नहीं 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 हाँ नहीं नहीं वो जब भी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी ये चर्चा सब नहीं नहीं आप हम लोग नहीं नहीं ऐसा ऐसा तरीका अगर होगा, मैं नागपुर में पहली बार लाल बुद्धा टीवी ने चर्चा लगाई करीबन आपसे बोलने का, आपको अगर संघर्ष खड़ा करना है तो आपको बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करना है तो वो गडकरी चंद्रम नगर चौक में आता है, गए क्या कभी नहीं किससे तो अपने लोगों से चर्चा अभी शुरू हो गई, हम बार बार चर्चा लगाएंगे, बार बार ये करेंगे। मैं मेश्राम साहब को मैं पूरन मेश्राम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पूरन मेश्राम साहब इस सभा को समाप्त करेंगे और वो जो कहेंगे उस आदेश का हम लोग सम्मान करेंगे, भला ही उनके मतों से आप सहमत रहो नहीं रहो, लेकिन हम पूरन मेश्राम साहब को बोलते हैं कि आप जितना भी 2-3 मिनट आपके पास है इस सभा का समारोप करो। लॉर्ड बुद्धा टीवी ने जो हेतु से या जो उद्देश्यों से इस परिसंवाद का आयोजन किया था उसी उद्देश्य के आधार पर मैं इसका समापन करना चाहूँगा। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि शीशा कैसे चकनाचूर हुआ, सवाल ये नहीं कि शीशा कैसे चकनाचूर हुआ, सवाल यह है कि पत्थर कहाँ से आए थे। क्या बात, हम लोग चर्चा इसी बात की करते हैं कि शीशा तो चकनाचूर हो गया, हम खत्म हो गए, हम टूट गए, हम लूट गए, हम बिके हुए हैं, हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, लेकिन हम इस बात की चर्चा नहीं करते कि ये जो टूटा हुआ शीशा है ये पत्थर कहाँ कहाँ से आए थे। तो क्या अगर इस बात की अगलो हम लोग समीक्षा करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि मैं रिपब्लिकन विचारों का ही कार्य करता हूँ। आज रिपब्लिकन पार्टी अलग अलग तबके में फैली हुई है, उनके आपस के मत मतांतर है, विभाजन है, कहीं गुट है, लेकिन सवाल ऐसा है कि मेरी रिपब्लिकन पार्टी कहाँ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी कहाँ है, ये सवाल जो है इस देश का हर अम्बेडकरवादी हमको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, और उसका जवाब हमको देना पड़ेगा, ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं रिपब्लिकन पार्टी को कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं देखना चाहता, मैं रिपब्लिकन पार्टी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक फिलॉसफी के रूप में देखा, एक तत्वज्ञान के रूप में देखा, इसलिए पार्टियां मर सकती है, तत्वज्ञान फिलॉसफी कभी मर नहीं सकती, इसलिए इस देश में हजारों रिपब्लिकन पार्टी आएंगी टूट जाएगी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी नाम का रिपब्लिकन नाम का जो मूल्य है वो मूल्य इस देश से खत्म नहीं हो सकता, ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यहाँ बहुत सारी पार्टियां आती भी गई, लेकिन जब हम सब यूनाइट हो जाते हैं रिपब्लिकन के नाम पे तो खैरलान जी के इशू पे भी हम लड़ लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के किताब का रिडल्स एंड हिंदुइज्म का एक सेंटेंस निकाला जाता है तो 7 लाख लोगों का मोर्चा भी हम लोग निकालते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नामांतर का इशू जब आता है तो करोड़ों लोग आंदोलन करते हैं, जेल में जाते हैं, भूमिहीनों का आंदोलन होता है तो इस देश के सारे जेल जो है हमारे आंदोलन से हम लोग बंद कर देते हैं। ये जो ताकत है, हम लोग बिखरे जरूर है लेकिन जब हमारी इशू आ जाती है, बाबा साहब के इज्जत का सवाल आ जाता है, रिपब्लिकन पार्टी के इज्जत का सवाल आ जाता है, तो ये ऊर्जा जो है रिपब्लिकन पार्टी की जो छुपी हुई है फिर एक जगह रास्ते पे आ जाती है और हिंदू महासागर का रूप ये लेती है, ये इतिहास ने बताया हुआ है, ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर आंदोलन में हम लोग सब एक आ जाते हैं तो इलेक्शन में हम लोग बिखर के हो जाते हैं, आंदोलन में हम लोग जब एक आ जाते हैं सब लोग लकड़ी हाथ में तलवार ले जाते हैं, इलेक्शन में हमारा ठप्पा एक चिन्ह पे क्यों नहीं पड़ता, इलेक्शन में हम लोग अपने नुमाइंदे क्यों चुन के नहीं ला सकते। मैं प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रखने वाला एक कार्यकर्ता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां कुछ नहीं था वहां मायावती ने अपना राज लाया, उसके भी नेतृत्व पे विश्वास करने वाला भी मैं एक कार्यकर्ता हूं। हर लोगों ने अब अपने लड़ाई में जो लोगों ने काम किया हुआ है
इन लोगों ने भी कुछ इनका योगदान है, इसलिए जो लोगों ने रिपब्लिकन आंदोलन में काम किया है उनके योगदान की हम लोगों ने तहे दिल से तारीफ करना चाहिए, उनका योगदान है। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सोनिया गांधी खड़ी हुई, आदरणीय सोनिया गांधी जी खड़ी हुई, आदरणीय राहुल गांधी जी खड़े हुए, तो दोनों में मेश्राम जी एसपी बीएसपी ने वो दोनों को सपोर्ट कर दिया, वहां अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। सोलापुर में प्रकाश अंबेडकर जी खड़े हुए, वहां बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मुझे लगता है कि नागपुर में डबरा से खड़ा हुआ वहां पर भी अपना कैंडिडेट, मैं तो कहता हूं कि बहुजन वंचित आघाड़ी को हम सब कांग्रेस, मैं ये बीजेपी कांग्रेस के साथ जो आरपीआई के लोग जुड़े हैं उनको छोड़ दो, लेकिन हम लोग जो बहुजनों की सत्ता लाना चाहते हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे बहुजन वंचित आघाड़ी हो, चाहे बीआरएसपी हो, हम लोग अगर एक जगह आए तो हम लोग भी अपने लोग चुन के ला सकते हैं। ये चित्र निर्माण करने की संधि तुम्हारे पास थी, तो आप प्रकाश अंबेडकर को सपोर्ट जब दिए, आपने पूरे बहुजन आघाड़ी को सपोर्ट कर दिया होता और सुरेश माने जी आप नहीं खड़े होते, आप तीनों बैठ के अगर चर्चा करते तो ये चित्र अलग होता, ये बात आपने याद रखना चाहिए। इसलिए आप इनके साथ बिके हुए लोगों को आप गाले दो, इनके साथ बैठे हुए लोगों को आप गाले दो, आप एक क्यों नहीं आते? मायावती अगर समाजवादी पार्टी के साथ बैठ के अलायंस कर सकती है, प्रकाश अंबेडकर के साथ बैठ के अलायंस क्यों नहीं होता? वो क्यों अछूत है आपके लिए? यादव अछूत नहीं है तो बौद्ध अछूत कैसे है? और इसलिए ये सारे लोग, अगर तुम्हें बहुजनों की सत्ता लानी है तो मुझे ऐसा लगता है जो अलायंस यूपी में हुआ, अरे एक कदम तुम भी बढ़ो, एक कदम अगर वो भी बड़े होते तो आज महाराष्ट्र में चित्र अलग होता। और ये सारे लोग जो इनके साथ जुड़े हैं उन्हें छोड़ दो, लेकिन जो उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं वो सारे लोग अगर एक जगह आते तो मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी की और बहुजनों की सत्ता ये महाराष्ट्र में आने की ये जो बहुत बड़ी चांस ये यहाँ देश ने हम तुमको दिया हुआ है मिल गया होता। डिवीजन होता होटो का इनका वाला, एक बड़े ताकत के रूप में हम लोग यहाँ पर सामने आते, लेकिन क्या हो रहा है, हम जिन्हें चुन के लाना नहीं चाहते हैं हम बिखर गए हैं, हम आपस में खड़े होते हैं, हमारे होटो का डिवीजन होता है और उसके बाद हम लोग जिनके खिलाफ लड़ते हैं वही लोग चुन के आते हैं, तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में हम लोग फेल हो रहे हैं, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। जो बात मुझे समझ में आती है वो आप सभी को समझ में आती है। आज रिपब्लिकन कार्यकर्ता रिपब्लिकन मतदार संभ्रमित है कि वो वोट किसको दे, उसे लगता है कि अगर इधर होड़ दूंगा तो ये, इधर होड़ दूंगा तो वो आ जाएगा, मुझे लगता है उधर होड़ दूंगा तो वो आ जाएगा, संभ्रमित अवस्था निर्माण हुई। इसलिए ये संभ्रमित अवस्था से हमारे नेताओं ने इस रिपब्लिकन मतदारों को एक प्रकार का सतेज करने की और उनका प्रबोधन करने की आवश्यकता थी और वो इलेक्शन में हम लोग कर सकते थे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हुआ बाड़ा साहब जी का, जो उन्होंने मांगा वो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी के साथ तो अलायंस हो सकता था और इस अलायंस में उन्हें जो चाहिए थे वो उन्हें मिल सकता था और हमें जो चाहिए वो मिल सकता था, ऐसे इसमें एक अलग प्रकार की ताकत जो है हम लोग इस महाराष्ट्र में खड़ी कर सकते थे, ऐसा मुझे लगता है, वो यहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए फिर रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता, फिर बहुजनों की सत्ता हम लोग कैसे ला पाएंगे, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आप खड़ा हुआ है। दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा कि आज हम सब लोग चाहते बोलते हैं कि भाई आज आरबीआई की ताकत नहीं दिख रही है, ताकत नहीं दिख रही है, ये नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी जो है वो आज बार आरबीआई में काम नहीं करती। यहाँ बैठे हुए लोगों में यूथ लोग मुझे बहुत कम दिख रहे हैं क्योंकि आरबीआई में यूथ लोग काम नहीं करते, सारे रिटायर्ड हुए हुए लोग आरबीआई में काम कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां तैयार हुई है। ये परिस्थितियां तैयार क्यों हुई, किसने किया? हम दलित प्रांतर में काम करते थे, राठौले हमारे नेता थे, तो उस वक्त उन्होंने, हमने सारे आरबीआई को गालियां दिया और आरबीआई को गालियां देते देते हम लोग नेता बन गए। हमारा बहुजन, तुम्हारा ये दलित मुक्ति सेना था, हम लोगों ने भी बम आरबीआई को गालियां दिए, गालियां देते देते हम नेता बन गए। बीएसपी, इन्होंने आरबीआई के ए से लेके झेड तक सब आरबीआई को गालियां दिया अपने वर्कशॉप में, वो सब वो नेता बन गए। और आज ये परिस्थिति है
कि हम सब आरबीआई को गालियां दे देंगे, जो नई जनरेशन है उसके दिमाग में आरबीआई के खिलाफ में उसकी भावनाएं तैयार किया, उनका मन मस्तिष्क हम लोगों ने तैयार किया। और परिस्थिति क्या है, जो लोगों ने आरबीआई को गालियां दिया वो चाहे आठवले हो कवाड़े हो, हम सब रिपब्लिकन पार्टी के नेता बन गए। साहब आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? और इसलिए मेरा ये कहना है कि आज आपके सामने महाराष्ट्र के अंदर ये चित्र खड़ा हुआ है, ये महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से हम लोगों ने काम करना चाहिए, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन की, बहुजनों की बात करने वाला, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की बात करने वाला आदमी जो है, उम्मीदवार है, वो कैसा चुन के आएगा, एक मेक के खिलाफ में लड़ने से नहीं होगा, गांव गांव में, बस्तियों में और सब तरफ इस तरह से पॉलिटिकल कोलैबोरेशन कुछ तरह से हो रहा है, उस तरह से हमारे विचारों को संसद में रखने वाले आदमी को जिसके होठों का डिवीजन ना हो और हमारा आदमी, हमारा नुमाइंदा लोकसभा में पहुंचे, इस तरह से हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी नेता नहीं करेंगे, बैठे हुए कार्यकर्ता और जनता ही करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ये निर्णय तुमको हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। और एक बात याद रखो, तुम्हारे सामने सबसे बड़े चिंता का विषय भैया जी ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ में एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी खड़ी कर दी थी। उस वक्त ये कोई पार्टियां नहीं थी, वो चाहते थे कि एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी खड़ी करूं और ये अपोजिशन पार्टी कल सत्ता में भी आएगी, वो लीडरशिप अपने हाथ में रखते थे। आज ये परिस्थिति है कि बाबा साहब चाहते थे इस देश के सारे वंचितों की लीडरशिप आम्बेडकरी समाज के हाथ में हो, लेकिन आज ये परिस्थिति ऐसी है कि लीडरशिप तुम्हारे हाथ में नहीं, आज तुम पॉलिटिकल सिनेरियो में तुम अनटचेबल हो गए हो। आज लोग जहां महार और बौद्ध कम्युनिटी का आदमी खड़ा होता है तो वहां लोग तुमको वोट नहीं देते, वही एससी कैटेगरी से दूसरे कम्युनिटी का आदमी खड़ा होता है तो लोग उसको वोट देते हैं। अरे तुम उनकी लीडरशिप क्या करोगे, सिस्टम ने तुमको अनटचेबल कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज तुम्हारे सामने याद रखना चाहिए। और क्या बात कर रहे हो आप, अरे जनता पार्टी के जमाने में इसी नागपुर में बैरिस्टर राजाभाव खोबरागड़े खड़े थे, सब तरफ जनता पार्टी की लाड थी और उस वक्त भी बैरिस्टर राजाभाव खोबरागड़े जैसा आदमी नागपुर में हरा और गेव आवारी जैसा एक पारसी समाज का मुठ भर होठों का आदमी चुन के आया। इसका कारण यह है कि लोगों के दिलों दिमाग में जो अनटचेबिलिटी तुम्हारे बौद्ध और महार कम्युनिटी के कैंडिडेट के उम्मीदवार के खिलाफ में है, जो तुम यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप लेना चाहते हो, ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज तुम्हारे पॉलिटिकल मूवमेंट के सामने है। अगर तुम अनटचेबल हो जाओगे तो फिर सिस्टम में तुम लीडरशिप कैसे कर पाओगे, तुम पॉलिटिकल लीडर कैसे बनोगे और ये सारे अपोजिशन के लीडर आप कैसे बन पाओगे, ये सवाल आपके सामने है। ये सारे चिंता के विषय है, चिंतन के विषय है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस देश के सारे वंचित हो बहुजनों की हम लोग लीडरशिप कर सके, तो जो जो भी बहुजनों की लीडरशिप कर रहे हैं, जो जो भी दलितों की लीडरशिप कर रहे हैं, आज तुम अनटचेबिलिटी का दाग अपने पास से निकाल के तुम्हें ये वातावरण की निर्मिति करनी पड़ेगी कि बाबा साहब चाहते थे कि हम एक प्रखर ऐसा विरोधी पक्ष खड़ा करेंगे, उस विरोधी पक्ष अंबेडकर को मानने वाला आदमी ही खड़ा कर सकता है। इस चित्र का निर्माण तुम्हें करना होगा और इस चित्र का निर्माण जिस दिन करोगे उसी दिन वंचितों की सरकार आएगी, उसी दिन बहुजनों की सरकार आएगी, उसी दिन अंबेडकरवादियों की सरकार आएगी। जय भीम। धन्यवाद। ये चर्चा सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कभी चर्चा के लिए हम लोग आपस में ये करेंगे। मैं धर्म मेश्राम जी का, आदरणीय पूरन मेश्राम जी का और सभी मेश्राम, संजय मेश्राम भी आए और उत्तम शेवड़े जी और आखिरी में रवि बाबू शेंडे, सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी कार्यकर्ता अपना प्रचार का समय छोड़कर यहाँ पर जो समय दिया, नहीं क्या, तो जो भी इस संदेश से मिला होगा तो पूरी ताकत के साथ नागपुर शहर में इस संदेश को फैलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा व्यक्त करते हुए सबको जय भीम, नमो बुद्ध।